नमस्कार स्वागत है आप सभी का कंपटीशन कम्युनिटी का यूट्यूब चैनल पे हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ गवर्नर जनरल के बारे में कुछ गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे इसमें आप देखिएगा बॉरिन हेस्टिंग्स कॉर्नवालिस बेलेजली विलियम बेंटिंग डलहौजी इन गवर्नर जनरलों के बारे में हम लोग बात करेंगे और अगर आपने कभी इतिहास की किताब को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन्हीं गवर्नर जनरल से पूछे जाते हैं तो हम लोग शुरू करते हैं गवर्नर जनरल के बारे में और सबसे पहला हमारा गवर्नर जनरल है वॉरन हेस्टिंग्स तो बॉर्न हेस्टिंग्स के बारे में बात करेंगे यहाँ देख लीजिए वारेन हेस्टिंग्स टाइम पीरियड भी आप देख सकते सत्रह सौ बहत्तर से सत्रह सौ पचासी इसका टाइम पीरियड है और इसने क्या क्या किया है वो यहाँ पे पॉइंट है और जो जो भी गवर्नर जनरल के बारे में बात करेंगे उसने क्या क्या किया है उसके बारे में पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट है कि बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली को इसने समाप्त किया है यानी कि डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल और डुअल सिस्टम ऑफ बंगाल क्या होता है ये बात हमने आपको पहले समझाया था कि जो दीवानी मामला है या जो कर वसूलने का मामला है वो अंग्रेज़ों के पास था और और जो प्रशासन का मामला है वो नवाब के पास था इसी को कहते हैं दोहरी शासन प्रणाली इसी को कहते हैं ड्यूअल सिस्टम यहां पे तो इसने क्या किया ड्यूअल सिस्टम को समाप्त किया खत्म किया ये बात आप समझ लीजिएगा बॉर हेस्टिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद आंगल मैसूर युद्ध के समय भी हमने आपसे चर्चा किया था कि प्रथम और दूसरे आंगल मैसूर के समय ही बॉर हेस्टिंग्स ही था पहला और दूसरा आंगल मैसूर और आंग्लो मैसूर वार के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है पहले देखो टॉपिक को हम पहले पढ़ा दिए हैं अब हम कुछ चीज़ों को अगर बता रहे हैं तो इससे क्या होता है कि संदर्भ में बातें याद रह जाती है कि हाँ हमने इसको पढ़ा था अच्छा पहला आंगल मैसूर में ये था क्या अच्छा हाँ दूसरे में भी ये था क्या अब पहला आंगल मैसूर तो में क्या तो हुआ था आप जरा कमेंट में बताइए तो और दूसरे एंगल मैसूर में क्या हुआ था ये भी कमेंट में बताइए ठीक है आप कमेंट में बताइए तो पहले और तो दूसरे एंगल मैसूर में, में क्या हुआ था युद्ध में चलिए उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था वारेन हेस्टिंग्स के समय ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वारेन हेस्टिंग्स के समय आया था इसके ऊपर हमें बात करना है रेगुलेटिंग एक्ट के समय में देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेकर के इंडिया इंडिपेंडेंस ना, 1947 नाइनटीन तक की पूरी की जो कहानी है उसको हम अलग अलग संदर्भों में बात करते हुए चलेंगे लेकिन एक जगह हम जरूर इसके ऊपर में एक वीडियो बनाएंगे ताकि वहाँ से जो अगर एग्जाम का क्वेश्चन पूछे तो वो छूटेगा नहीं हाँ ये बात ज़रूर हम आपको बताना चाहेंगे कि उन्नीस यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ये जो एक्ट जो मैंने आपको गिनती कराया है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा चलो ठीक है आगे बात करते हैं बॉरिन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर है और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल है याद रखिएगा बंगाल के अंतिम गवर्नर और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल अब आप बोलिएगा कि ये आ, कैसा हिसाब है तो देखो ये हिसाब कैसा है वो बात मैं आपको बताता हूं ये हिसाब कुछ ऐसा है कि बंगाल के गवर्नर तो बंगाल का पहला गवर्नर की अगर हम बात करें बंगाल के पहले गवर्नर का तो वो क्लाइव है क्लाइव है मैं यहां पे कर देता हूं प्रथम पहला गवर्नर कौन है क्लाइव है क्लाइव है ठीक है चलिए बंगाल के बंगाल का अंतिम गवर्नर अंतिम गवर्नर ठीक है तो ये कौन है ये है, है हेस्टिंग्स हेस्टिंग्स ठीक है चलो अब आप कहिएगा बंगाल के मैं फिर से लिख दू बंगाल के के प्रथम गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल देखो यहाँ पे क्या हुआ यहाँ पे एक चीज समझिएगा कि यहाँ पे हुआ ये कि पहले गवर्नर के नाम से काम होता था अब गवर्नर जनरल एक नई पोस्ट बना दिया और ये पोस्ट को गवर्नर से ऊपर रख दिया गया पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट बंगाल जो पूरी की पूरी प्रेसिडेंसी थी तो उसको गवर्नर जनरल हेड करेगा और दूसरे तीसरे जो क्षेत्र थे अंग्रेजों का उसको बंगाल के अधीन लाके दे दिया यही 1773 में भी यह बात कही गई थी तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी इन प्रेसिडेंसियों के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया तो गवर्नर गवर्नर जनरल से पो, छोटा पोस्ट हो गया तो हेस्टिंग्स जो बंगाल का गवर्नर था अब इसी को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया यानी कि पोस्ट को बढ़ा दिया हेस्टिंग्स को तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हेस्टिंग्स अब यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट अब बंगाल अब चूंकि इसका साम्राज्य जो है ना अंग्रेजों का तेजी से फैल रहा है तो जब साम्राज्य तेजी से फैल रहा है यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा जब साम्राज्य तेजी से फैल रहा है तो अब बंगाल से ये बातें कहाँ चली जाती है भारत तो भारत के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ठीक है और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो देखो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल अब भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है तो बेंटिंग कर देता हूं मैं बेंटिंग तो अगर ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है तो इसका मतलब है कि ये बंगाल का बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल होगा अंतिम गवर्नर जनरल होगा अब आप बोलेंगे फिर से गवर्नर जनरल तो पोस्ट तो वही रहा तो पोस्ट यहां पर वही रहा गवर्नर जनरल का लेकिन अब इसे भारत का कहा जाने लगा गवर्नर जनरल और बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा बेंटिंग होगा बेंटिंग होगा ठीक है उसके बाद देखो उसके बाद और मैं बताते चलता हूँ ठीक है इसको मैं यहाँ पे खत्म भी कर लेंगे आज उसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा देखो तार्किक रूप से तो इसको कैसा होना चाहिए अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग कर दूं तो तरीके से क्या होना चाहिए ये पहला होना चाहिए ये दूसरा होना चाहिए Osionfish. ये तीसरा होना चाहिए सॉरी ये तीसरा होना चाहिए ये चौथा होना चाहिए और ये पाँचवा होना चाहिए तरीका ये कहता है ठीक है बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल के प्रथम सॉरी बंगाल का प्रथम गवर्नर तो बंगाल का अंतिम गवर्नर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल क्या होगा पांचवा छठा भारत का भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा अंतिम गवर्नर मैं यहाँ पे चीजों को समाप्त कर दूंगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा तो यहाँ पे होगा लॉर्ड कैनिंग यानी कि कौन होगा कैनिंग अब यहाँ पर देखिए इसी के समय अठारह का विद्रोह हुआ था कैनिंग के समय में और अठारह के विद्रोह के ठीक बाद अठारह में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है और उसमें गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया तो अगर वायसराय कहा गया तो भारत का भारत का प्रथम वायसराय कौन होगा प्रथम वायसराय यहाँ पर देखो पोस्ट बदल गया क्या होगा यहाँ पे पोस्ट बदल गया यहाँ स्थान बदला यहाँ पोस्ट बदल गया तो वायसराय हो गया वो कौन था कैनिंग था है ना भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था ठीक है अब अगला पॉइंट है कि भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था भारत का या अंतिम अंग्रेज वायसराय भारत का अंतिम वायसराय अंतिम वायसराय ठीक है अगर ये होगा तो वो कौन हो जाएगा तो लॉर्ड माउंट बेटन ठीक है तो माउंट माउंट बेटन ये हो गया आपका भारत का अंतिम वायसराय अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है वो जरा एक बार ध्यान से देखो हमको लगता है आई होप आपको सब कुछ दिखाई दे रहा होगा ठीक है अच्छे से अब इसमें एक और क्वेश्चन क्या बन जाता है उस पर ध्यान रख दीजिए एक और क्वेश्चन ये बन जाता है कि आजाद भारत का प्रथम गवर्नर प्रथम भारतीय वायसराय कौन थे गवर्नर जनरल कौन थे तो सी राजगोपालाचारी तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी तो ये पॉइंट तो अंग्रेजों से नहीं है भारत का है लेकिन अंग्रेजों से जुड़ा हुआ इस पॉइंट को आप जरूर अच्छे तरीके से याद रखिएगा मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसलिए बड़ा कर देता हूं ताकि आपको ये ध्यान में रहे कि हाँ मैंने क्या क्या किया है ठीक है ये अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि हमने क्या क्या किया है तो हमने क्या, -क्या, किया, हमने क्या किया बंगाल के प्रथम गवर्नर क्लाइव बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल सॉरी अंतिम गवर्नर हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पोस्ट पर क्या हेस्टिंग्स तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल बेंटिंग तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बेंटिंग तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग तो भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग तो भारत का अंतिम वायसराय माउंट बेटन जिस नंबर से मैंने किया उसी नंबर से लिख लीजिएगा एक दो तीन ये चार नहीं है पांचवें नंबर पे आएगा मैं इसको दूसरे कलर से कर दूं ये पांचवें नंबर पे आएगा बेटा और ये चौथे नंबर पे आएगा और बाकी छठवा सतवा अठवा ये ऐसे ही रहेगा और पहला दूसरा तीसरा ऐसे ही रहेगा मैंने नंबरिंग अच्छे से कर दिया आप अपने कॉपी में इसको थोड़ा सा अलग से कर लीजिएगा ठीक है ना तो इस चीज को जरूर अपने कॉपी में लिख लीजिएगा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं तो हम आगे बढ़े चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे तो हम लोग क्या बात करते है? वॉरन हेस्टिंग्स के ऊपर बात कर रहे थे तो देखिए बॉर्न हेस्टिंग्स के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या क्या बताया वो बताता हूँ हमने बताया कि दोहरी प्रणाली को समाप्त किया ड्यूअल सिस्टम को समाप्त किया ठीक है एक दूसरा सेकेंड फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में ये था ये बात हमने पहले चर्चा कर लिया रेगुलेटिंग एक्ट की बात सेवेंटीन में उसके बारे में एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे okay. और अंतिम गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की पूरी लिस्ट को हमने यहाँ पे बता दिया बारेन हेस्टिंग्स को और बंगाल के पहले गवर्नर जनरल भी अब चूंकि अंतिम गवर्नर है तो पहले गवर्नर जनरल होगा

ठीक है इसके ऊपर में इम्पीचमेंट लगाया गया था इम्पीचमेंट हालांकि इस महाभियोग से ये बड़ी हो गया था लेकिन इसके ऊपर महाभियोग लगाया गया था अब आप बताएंगे कि महाभियोग किस लिए लगाया गया था अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे हमसे किस लिए लगाया गया था तो दरअसल यहाँ पे भारत में रहते हुए काम करते हुए इसने बहुत ऐसे डिसीजंस लिए थे बहुत ऐसे काम किए थे जो जिसको कि गलत समझा गया जैसे गलत तरीके से पैसे कमाया था और भी जो बनारस के राजा का लेकर के मामला था या फिर नंद कुमार जो बंगाल के नंद कुमार का मामला था जिसको फांसी पे चढ़ा दिया तो ये सारा कहानी जो है ना इसको लेकर के इसके ऊपर महाभियोग लगा था लेकिन फिर इस सारे महाभियोग से क्या हुआ बड़ी हो गया था क्योंकि उसके रिजल्ट में ये कहा गया कि इन्होंने जो भी कहा किया वो साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत किया और ये सही है यानी कि इंग्लैंड के हित में किया तो ये तो होना ही था ये तो बस होना ही था इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा नहीं होगा तो बॉरन हेस्टिंग्स के बारे में यही बात है कि इसने दो री प्रणाली जो कि बात हमने पहले कर लिया था कब किया था जब दोहरी प्रणाली इलाहाबाद के संधि से याद रखो इलाहाबाद के संधि से हमने दोहरी प्रणाली की बात बंगाल में किया था चलिए कॉर्नवालिस की बात करते हैं कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस को एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इसको दो कारणों से पहला ज्यूडिशियल रिफॉर्म के कारण और दूसरा जो है ना इसका अस्थाई बंदोबस्त अब अस्थाई बंदोबस्त क्या है

बेलेजली बेलेजली को सहायक संधि के लिए जाना जाता था सहायक संधि ठीक है अपने सहायक के लिए जाना जाता था, है ना और सहायक के साथ था? हैदराबाद के साथ पॉइंट ये दोनों में पूछा जाता है दोनों अब कि सहायक संधि क्या है तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लो सहायक संधि बड़ा ध्यान से समझिएगा हर चीज को ठीक है और जो बातें मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ वो बातें आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगी ये बात भी आप अच्छे तरीके से समझिए तो सहायक संधि की बात करते हैं क्या होता है सहायक संधि ठीक है सहायक संधि क्या होता है ये बात आप समझ लीजिए सहायक संधी। सहायक संधि संधि होता था जिसको बोलते हैं इंग्लिश में यह होता था कि किसी देसी राजा के साथ एग्रीमेंट करना अच्छा उस एग्रीमेंट के प्रावधान क्या थे तो उस एग्रीमेंट के प्रावधान हम आपको बोर्ड पे लिखते हैं और एक एक प्रावधान आपको समझाते हुए चलते हैं बड़ा ध्यान से समझिएगा देखिए सहायक संधि का पहला प्रावधान था जो देसी राजाओं के साथ होता था उसमें पहला प्रावधान था कि क्या बोलते हैं कोर्ट में रो राजा को सबसे पहले राजा को सहायता देना यानी कि बिलेजली ने कहा कि कोई भी अगर बाहरी आक्रमण हो बाहरी आक्रमण से सहायता देना का किससे बाहरी आक्रमण से बाहरी आक्रमण से ठीक है अगर राजा के ऊपर किसी भी प्रकार का बाहरी आक्रमण होता है तो हम उसमें सहायता करेंगे पहला पॉइंट है ये पहला दूसरा पॉइंट सहायक संधि का क्या है वो जरा एक बार देखते हैं दूसरा पॉइंट व्हाइट कलर से लिखता हूं मैं ठीक है राजा को राजा को कोर्ट में कोर्ट में अंग्रेज अधिकारी जिसको रेजिडेंट बोला जाता है अंग्रेज अधिकारी अधिकारी रखना होगा जिसको रेजिडेंट बोला जाता है रेजिडेंट ठीक है कि राजा भैया अपना कोर्ट में अंग्रेज अधिकारी रखेगा दूसरा पॉइंट यह है तीसरा पॉइंट जो इसका था वो मैं आपको बताता हूं राजा को अंग्रेज सैनिक का अंग्रेज सैनिकों का खर्चा उठाना होगा सैनिकों का सैनिकों का खर्चा उठाना होगा खर्चा देना होगा ठीक है होगा ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट सहायक संधि के बारे में क्या था वो देख लीजिए चौथा पॉइंट था सहायक संधि के बारे में खर्चा हो गया कोर्ट में अधिकारी रहेगा राजा किसी विदेशी किसी विदेशी शक्ति से संधि नहीं करेगा संधि नहीं करेगा या कोई बात नहीं करेगा संधि नहीं करेगा या कोई बात नहीं करेगा यह चौथा बात था पांचवा बात ठीक है पांचवा बात था कि अंग्रेज का दुश्मन राजा का दुश्मन अंग्रेजों का दुश्मन दुश्मन को राजा का दुश्मन माना जाएगा राजा का दुश्मन और राजा का दुश्मन दुश्मन माना जाएगा माना जाएगा ठीक है और और इसके विपरीत मतलब कि राजा का भी जो दुश्मन होगा वो अंग्रेजों का दुश्मन होगा इसके विपरीत ठीक है यानी जिसको बोलते हैं हैं और और इसके विपरीत चलिए पर सहायक सहायक संधि संधि के बारे में में ये पॉइंट हो गया और भी बात देखते हैं, में क्या था और भी बातें सहायक संधि के ऊपर में हम बात करते हैं तो राजा को अब यहाँ पे कुछ बातें याद आ जाएंगी लिखते हुए मुझे जो याद था वो मैंने फटाफट फटाफट लिख दिया मैं समझाता हूँ हुआ ये कि राजा को सहायक संधि के लिए बाध्य किया गया विवश किया गया उसमें यह कहा गया जो देसी राजा था कि देखो भैया अगर तुम सहायक संधि करोगे ये एक तरह का लल्ली पॉप है ठीक है अगर आप सहायक संधि करोगे तो हम आपकी सुरक्षा करेंगे जितने भी बाहरी आक्रमण है उससे हम आपको सुरक्षा करेंगे ठीक है राजा ये बात को समझ में आ गया कि चलो ठीक है तुम बाहरी आक्रमण से हमको सुरक्षा करेगा पहला लेकिन इसके लिए क्या है कि आपको जो आपके यहाँ जो अंग्रेजी सेना रहेगा आपकी सुरक्षा के लिए उसका वेतन आप ही देंगे ना वो आपके आपके सुरक्षा के लिए अंग्रेजी सेना रखे हैं तो उसको वेतन दे दिया ठीक है अगर राजा सैनिकों को खर्च देना होगा और दरबार में एक, एक, एक आ, रखना होगा, रखना होगा। रखेंगे तभी तो वो आपको सुरक्षा कर पाएगा अपने सैनिकों को तैयार कर पाएगा उसके लिए ठीक है चलिए अब अंग्रेजों का दुश्मन जो होगा ना मेरा दुश्मन और आपका दुश्मन मेरा दुश्मन मतलब एक तरीके का वॉइस वर्षा पूरा का पूरा कहानी बना दिया गया कि ठीक है आपका जो दुश्मन होगा वो मेरा दुश्मन हम मान लिए लेकिन जो मेरा दुश्मन होगा अंग्रेज बोल रहा है राजा को कि आपका जो दुश्मन होगा उसको हम अपना दुश्मन मान लिए लेकिन जो मेरा दुश्मन होगा वो भी आपका दुश्मन होगा यानी कि हम अपने दुश्मनों से वैसे व्यवहार करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे ठीक है चलिए कोई भी विदेशी व्यक्ति से या विदेशी शक्ति से अगर आपको बात करना हो तो हमसे आपको पूछना होगा नहीं तो आप बात नहीं कर सकते इस एग्रीमेंट का एक हिस्सा था यानी कि सहायक संधि का एक हिस्सा था ठीक है अब इससे क्या हुआ इसका रिजल्ट क्या निकला कि जो भी राजा सहायक संधि के अंतर्गत आए वो सारे के सारे एकदम एक बकरा की तरह था यानि कि बकरा को तब तक पाल के रखो जब तक कि उसको हलाल ना कर दिया जाए तो ये राजा को पाल के रखने वाली बात थी अंग्रेजों के द्वारा अब यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बात हो गई अंग्रेजों को कि बिना पैसा का अंग्रेजों का सैनिक जो है ना राजा के यहाँ पल रहा है बिना पैसे का अंग्रेजों का सैनिक पल रहा है ना राजा वेतन दे रहा है राजा को लग रहा है कि हमारी सुरक्षा कर रहा है सच्चाई तो यह है कि यही अंग्रेज सैनिक जब जरूरत पड़ेगा राजा के राज को हड़प लेगा या फिर किसी दूसरे जगह अगर मान के चलो अंग्रेज कहीं दूसरे जगह अभियान में जा रहा है तो राजा ये सैनिक जाएगा अभियान में अब पैसा दे रहा है राजा अपना सुरक्षा के लिए सैनिक को और अभियान में जा रहा है कहीं और यानी कि अंग्रेजों को बैठे बिठाए कितना तेज है कितना चला के देखो बिना एक रुपया खर्चा किए लाखों सैनिक अंग्रेजों का जमा हो गया भारत में बिना एक रुपया खर्चा किए यानी कि राजा के खर्चा पर अब अंग्रेज का सैनिक पल रहा है अब वही सैनिक राजा को भी उसी राजा को हराएगा जरूरत पड़ने पर दूसरे राजा को हराएगा और ऐसा ही कुछ हुआ हैदराबाद के साथ ऐसा ही कुछ हुआ आगे चल करके जितने भी सतारा के साथ झांसी सबके साथ ऐसा ही हुआ सबके साथ क्या हुआ सहायक संधि में ऐसा ही हुआ सबके साथ तो पहला सहायक संधि करने वाला कौन था हैदराबाद हैदराबाद के निजाम थे और ये बिलेजली का पूरा का पूरा सहायक संधि है बिलेजली का तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सहायक संधि किसे कहा किसका था तो बिलेजली का था ठीक है और सहायक संधि के पूरे प्रावधान को तो आपने देख लिया आप देखिए कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि राजा के खर्चे पे अंग्रेज अपना सैनिक पाल रहा है मतलब तुम्हारे खर्चे पे हम जो है ना अपना कुछ काम कर रहे हैं और जरूरत पड़ा तो उसी काम को तुम्हारे खिलाफ़ में हम यूज कर लेंगे ये इतना बुद्धिमानी से राजा अंग्रेजों ने काम किया अच्छा आप बोलेंगे इसमें बुद्धिमानी क्या है तो मैं कहूँगा बुद्धिमानी है लेकिन बुद्धिमानी से ज़्यादा इसमें राजा का डर है अगर राजा सहायक संधि नहीं मानता है तो अंग्रेज उस पर हमला करेगा और उसके साम्राज्य को छीन लेगा तो अब सोचता है कि यार ऐसे भी गए और वैसे भी गए चलो सहायक संधि बनाते हैं कम से कम आ, क्या बोलते हैं आ, कुछ दिन तक जिंदा तो रहेंगे तो ये 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 फैसला मैसूर में हैदर हैदर अली के पास भी गया था कि तुम सहायक संधि अपना लो तो उसी समय हैदर अली ने कहा था, था कि सौ दिन चूहों की तरह जिंदा रहने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह ज़िंदा रहना क्योंकि उसको पता था कि सहायक संधि का मतलब है कि आज न कल तो वो हमको मार ही देगा मतलब एक तरीके का बकरा हमको बना के रखेगा जो हलाल होना है आज न कल है ना कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक क्या बोलते खैरियत मनाएगी तो उसको हलाल तो होना था आज न कल लेकिन हैदराबली यहाँ कहता है कि नहीं हम अगर मरना होगा तो एक ही दिन में मर जाएंगे यानी को हम पे हमला करेगा ना लड़ेंगे हम लेकिन उसके यहाँ घुट घुट के मरने से अच्छा है कि एक दिन में मर जाए ठीक है तो सहायक संधि एक तरीके का बकरा बना करके रखा जाने वाला था राजा को जिसको एक न एक दिन हलाल करना था और सहायक संधि के प्रावधान है एक प्रावधान शायद मुझे याद नहीं आ रहा है लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम रेलिवेंट है इतना ही पॉइंट आप आप मेंस के एग्जाम में भी जाते हैं और इसी पॉइंट को अगर इलोबरेट कर देते हैं तो फिर समझ समझिए कि नंबर भर भर के देगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग क्या बात कर रहे थे तो हम लोग बात कर रहे थे हैदराबाद ठीक है और बिलेजली अपने आप को बंगाल का टाइगर कहते था, कहता था बंगाल का टाइगर कहता था बिलेजली ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया है तो सब्सिडरी अलायंस का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है सबसे पहला सब्सिडरी एलाइंस कौन था हैदराबाद था बाद में सतारा हुआ बहुत सारे हुए ठीक है और सब्सिडरी अलायंस के लिए कौन जाना जाता है तो बिलेजली जाना जाता है हो गया चलिए आगे अगला है बड़ा इंपॉर्टेंट बिलियम बेंटिंग याद रखिएगा बिलियम बेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किस लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने कुछ ऐसा काम किया था जो इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था जो बात हमने आपको पिछले क्या बोलते हैं पीपीटी में लिख करके बना दिया है बोर्ड पे उसको आपने जरूर लिख लिया होगा चलिए सबसे पहला काम इसका था सती प्रथा को समाप्त किया ये काम अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है वी है सती प्रथा को समाप्त करना यह सबसे पहला इसका काम था जो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है शिशु शिशुब्ध प्रथा को समाप्त किया एबोलिस इन्फेंटिसाइड ठीक है यानी जो बच्चों को बध कर दिया जाता है बलि देना वो समाप्त किया ठगी प्रथा को यानी कि ठगी को ठग अच्छा ठग ऐसा नहीं कि ठग लेने वाला ठग वो दरअसल जान से मार देने वाला ठग था जान से मार देने मतलब गर्दन काट देना हाथ काट लेना मतलब ठगने के लिए कुछ भी करना तो वो ठगी था इसने शिक्षा में सुधार किया एजुकेशन सिस्टम में और यहाँ पे एग्जाम का पॉइंट मैं आपको सती प्रथा को लेकर के कर लिया हूं शिक्षा को सुधार के लिए आपको एम वी वी आई करना होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बिलियम बेंटिंग किया क्या था वो बताते हैं हम आपको विलियम बेंटिंग ने ही सबसे पहले लॉर्ड मैकाले को एक समिति बनाने के लिए कहा था और कहा था कि भारत में जो एजुकेशन होगा उसका मीडियम क्या होना चाहिए और किस हिसाब से भारतीय शिक्षा को आगे बढ़ाना होगा तो लॉर्ड मैकाले की समिति ने ये एक सिफारिश दिया था दो तीन तरीके की सिफारिश जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट था कि भारत में शिक्षा का माध्यम इंग्लिश होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंटली है एक और दूसरा पॉइंट यहां पे लॉर्ड मैकाले का एक बड़ा फेमस कोर्ट है जो कि आप लोग सुने होंगे कि भारत के पूरे भारत का पूरा साहित्य पूरे भारत का साहित्य हमारे देश के पुस्तकालय का एक अलमारी के साहित्य का बराबरी नहीं कर सकता है ये लॉर्ड मैकाले का कहना था कि पूरे भारत का साहित्य हमारे देश के यानी कि इंग्लैंड के पुस्तकालय एक पुस्तकालय के एक अलमारी के साहित्य के बराबरी नहीं कर सकता है और ये जो जहन में भर दिया हम भारतीयों को तो आज तक हम इंग्लिश 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 करते चले जा रहे हैं एकदम बेवकूफ़ी वाला बात था हमारा एक वेद तुम्हारा पूरा जीवन दर्शन समाप्त हो जाएगा उसको ढूंढते ढूंढते इतना बड़ा काम हम लोगों ने पहले कर लिया था हमारा एक कालीदास के बरोबरी में तुम्हारा कोई नहीं है शेक्सपियर मतलब फालतू के अब चूंकि वो अंग्रेजी में लिखता है तो उसको तो इनाम मिलेगा आज भी देखते हैं अंग्रेजी में लिखने वाला अंग्रेजी में बोलने वाला अंग्रेजी सब कुछ करने वाला को एकदम सर सरवे बैठा के रखते हैं भारत सरकार से लेकर के बिहार आ, जो गवर्नमेंट के आ, 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 सरकार है स्टेट गवर्नमेंट वो या फिर आप किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो इंग्लिश बोल रहा है तो बहुत बड़ी बात अरे बेवकूफ है टुच्चा की तरफ बेबकूफ की तरह मुँह खोलता है, मुँ, मुँ है। इंग्लिश मतलब ठीक है इंग्लिश बोलिए तो इंग्लिश बोलो चाहे हिंदी बोलो तो तरीके की बात करो ना कुछ आइडियाज की बात करो कुछ सही तरीके से बात करो यहाँ तो लोगों के मन में जो बैठा दिया गया ना वो आज तक हम लोग मैकाले के मानस पुत्र है मानस पुत्र का मतलब है उसका मानस था कि भारत में इंग्लिश फैल जाए और वो उसमें सफल रहा समझ गए ना वो उसमें सफल रहा तो ये मैकाले का पूरा का पूरा कहानी है तो एग्जाम में क्वेश्चन मैकाले से भी बनता है और एग्जाम में क्वेश्चन विलियम बेंटिंग से भी बनता है जब गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो विलियम बेंटिंग आंसर हो जाएगा और जब अंग्रेजी शिक्षा किसने लाया तो लॉर्ड मैकाले अगर ऑप्शन में होगा तो मैकाले आप टिक करेंगे ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो विलियम बेंटिंग से हमें सती प्रथा समझ में आती है ये एक पॉइंट और मैकाले हमें समझ में आता है यानी अंग्रेजी शिक्षा हमें समझ में आता है विलियम बेंटिंग से यही दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा अंग्रेजी शिक्षा भारत में मैकाले का दिन है वो लिखता था और अच्छा उसने चुपके से एक चिट्ठी भी लिखा था कि अगर भारत को अंग्रेजियत बनाना है अगर भारत को अपना एक कस्टमर बनाना है परमानेंटली तो ये रंग में तो काले होंगे लेकिन इसका जेहन गोरा हो जाएगा यानी कि जहन का मतलब ये होता है कि इसका जो पूरा का पूरा विचार होगा वो अंग्रेज की तरह सोचेगा ये तभी होगा जब अंग्रेजी इसके ऊपर थोपा जाएगा और अंग्रेजी में शिक्षा दीक्षा होगा और हमारे साहित्य को इसके ऊपर थोपा जाएगा भारतीय साहित्य को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा इससे क्या होगा कि भारतीय कल्चर भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा और ये एग्जैक्टली exactly हो रहा है ये एग्जैक्टली exactly हो रहा है कितना बताएं हम है चलो ठीक है तो विलियम बेंटिंग के बाद अब हम लोग बात करते हैं भारत के अंतिम बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ये बात तो हम लोगों ने कर लिया है विलियम बेंटिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल अब चूंकि साम्राज्य बढ़ गया है तो बंगाल से अब भारत के ऊपर शासन कर रहा है क्योंकि चीज़ें बहुत तेजी चीज़ से निकल रही हैं तो अब बंगाल का इसको गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल सॉरी भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल में भारत बंगाल के गवर्नर जनरल या गवर्नर को भारत का एसोसिएट कर दिया गया चलिए विलियम बेंटिंग की बात कर लिया हम लोग अब हम लोग बात करते हैं विलियम बेंटिंग के बाद लॉर्ड डलहौजी डोलहॉजी के बारे में हम लोग बात करते हैं डोलहॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों डोलहॉजी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और वो सारा पॉइंट हमने एग्जाम का यहाँ पे लिखा है सबसे पहला व्यपगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स सबसे पहला पॉइंट है व्यपगत सिद्धांत डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स ये क्या होता है व्यपगत सिद्धांत तो ये होता है इसको ज़रा अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कोई भी ऐसा राजा अच्छे से समझिएगा ठीक है कोई भी ऐसा राजा जिसका अपना कोई पुत्र नहीं हो अपना मतलब खुद का पैदा किया हुआ पुत्र नहीं हो उसको डलहौजी मान्यता नहीं देगा मैं इसको अच्छे तरीके से बताऊं तो गोद लिए हुए पुत्र को डलहौजी मान्यता नहीं देगा और जिसका भी राज्य में अपना पुत्र नहीं है उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा जिसमें झांसी सब बहुत इंपॉर्टेंट था लक्ष्मी झांसी तो व्यपगत सिद्धांत से कौन कौन मिलाया गया वो देखो सतारा पहले तो सतारा को ले बोलते हैं सहायक संधि में और उसके बाद उसको हड़प लिया ठीक है तो होना ही था आज नकल जैतापुर संभलपुर बाघट उदयपुर झांसी नागपुर मतलब ये सारा लिस्ट जो है ना ये बस ये है कि व्यपगत सिद्धांत से कौन कौन सा राज्य आया और सबसे पहला कौन आया तो सबसे पहले सतारा और सहायक संधि से सबसे पहला राज कौन आया तो सबसे पहले हैदराबाद जरा मैं इसको एक बार कर दूँ कि सतारा सबसे पहला था पहला था फर्स्ट व्यपगत सिद्धांत से पहला ऐसा राज्य जो कि छीना गया तो सतारा ठीक है अब अबगत सिद्धांत समझ में आ गया कि जिस भी राजा का अपना बच्चा नहीं होगा उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाएगा और झांसी के साथ ऐसा ही हुआ था क्योंकि आप जानते हैं कि रानी झांसी का अपना बच्चा नहीं था वो दत्तक पुत्र था जिसको एडॉप्टेड सन बोलते हैं और अडॉप्टेड सन को जलहौजी ने मान्यता नहीं दिया था ठीक है चलिए इसका अगला पॉइंट क्या है वो देखिए कि अवध का विलय भी डलहौजी ने कर लिया लेकिन अवध का विलय का जो आधार था वो व्यापगत सिद्धांत नहीं था क्योंकि अवध की जो रानी थी बेगम हजरत महल उनका बच्चा उनका अपना बच्चा था बेगम हजरत महल का अपना बच्चा था ठीक है तो बेगम हज़रत महल का अपना बच्चा था तो फिर कैसे उसको हड़पे और चूंकि अवध पहले से सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत था यानी कि अवध सब्सिडरी अलायंस के सारे कानून को अच्छे तरीके से फॉलो कर रहा था लेकिन जैसा कि हमने आपको कहा कि ये बकरा बना के रखने वाली बात है जब डलहौजी आता है ब्लेजली के बाद तो अवध का विलय कर लिया अब उसका आधार क्या बनाया क्योंकि उसके पास कोई आधार तो था नहीं ना तो वो कुछ गलती कर रहा था ना ही वहाँ पे व्यवगत सिद्धांत लागू हो रहा था तो कुशासन के आधार पर अवध को क्या कर लिया अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक हजार बार पूछा गया है और ये दरअसल मेंस का भी क्वेश्चन है कि अवध का विलय मतलब अवध के विलय को लेकर के मेंस में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है तो ये बात बड़ा ध्यान में रखिएगा और जब अट्ठारह की क्रांति हम पढ़ेंगे ना तो वहाँ भी अवध का विलय एक कारण माना जाता है क्योंकि अवध के सैनिकों का सबसे ज़्यादा योगदान था अंग्रेजी साम्राज्य के विस्तार में और फिर उसी अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता है तो सैनिकों का जो गुस्सा है ना वो फूट पड़ता है ये बात आप ध्यान में रखिएगा तो अवध का विलय भारतीय इतिहास में एक बड़ा महत्वपूर्ण घटना में गिनती की जाती है और इसलिए ये मीन्स क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जामिनेशन के यानी यानी कि कि जब हम आ, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जामिनेशन की बात करें चाहे लोकसभा यूपीएससी की जो बेगम हजरत महल थी उनका बेटा का नाम था बिरजिस कादिर। कादिर था उनके बेटा का नाम तो उनके संरक्षिका के रूप में बेगम हजरत महल शासन कर रही थी और बेगम हजरत तो मालूम हम लोग एक बार देख लेंगे जाओ 1857 की क्रांति होगा वो वहां पर एक बार और डलहौजी के बारे में बात करते हैं 1853 रेलवे की शुरुआत करता है डलहौजी 1853 में आप जानते हैं अच्छे तरीके से उसके बाद इसमें बताने की जरूरत नहीं है तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं 1853 में ही टेलीग्राम की शुरुआत करते हैं टेलीग्राफ की ठीक है कहां से कहा कलकत्ता से आगरा तक रेलवे की शुरुआत कहां से कहां तक की गई जरा एक बार आप हमको बताइए तो बड़ा आसान क्वेश्चन है कहां से कहां तक मेरा मन कर रहा है बताऊं लेकिन अभी मैं आप पे ऊपर छोड़ता हूं लोक निर्माण विभाग पी यानी कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का स्थापना किया जो जानते हैं रोड वोड पुल पुलिया बनाता है आज भी अपने देश में तो ये डलहौजी का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेलवे टेलीग्राफ लोक निर्माण विभाग डाक तार पोस्ट ऑफिस इसका भी शुरुआत डलहौजी ने किया था तो डॉलॉजी के ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी है भारत हालांकि ये सारे पॉइंट्स पॉजिटिव नहीं है ये आज आपको पॉजिटिव लगते हैं लेकिन अगर आप उस समय से सुने, समझेंगे तो कि ये सब क्या है ये सब कम्युनिकेशन का साधन है जो कि अंग्रेजों को ये सहायता करता है कहीं विद्रोह हो रहा हो कहीं आपके खिलाफ में कोई रोष प्रकट कर रहा हो या कुछ ऐसी बातें हो तो वहाँ पे अंग्रेज सेना जल्दी से पहुंच सके अंग्रेजों तक जल्दी से इंफॉर्मेशन आ सके इसके लिए ये सारा डेवलपमेंट किया गया था और रेलवे का डेवलपमेंट किस लिए किया गया था कि सुदूर गांव के इलाकों से और दूर दूर तक के इलाकों से कच्चा माल को इकट्ठा किया जा सके इसके लिए ताकि शोषण में तेजी हो सके दरअसल सारा चीज शोषण में तेजी के लिए इस्तेमाल करने के लिए हुआ गया था यह अलग बात है कि भारत के आजादी के बाद हमारे लिए एक धरोहर के रूप में मिल जाता है यह अलग बात है अब इसको लेकर के जो मार्क्सवादी इतिहासकार है या फिर जो अंग्रेज इतिहासकार है या कुछ भारतीय जो उनके पैसे पे पलने वाले इतिहासकार है वो कहते हैं कि देखो रेलवे का विकास किया देखो इसका विकास किया अगर वो ना भी विकास

कि ये किया किस मानसिकता से था अंग्रेजों ने तो बड़ा ही इल मेंटालिटी के साथ इस डेवलपमेंट को किया था चलिए ठीक है डोलह के बारे में हम लोगों ने बात किया तो हमने गवर्नर जनरल जो बहुत इंपॉर्टेंट था उसके बारे में बात कर लिया और जो बहुत एक इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन था उसको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया आपके सामने में ठीक है अब हम अप, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं हम लोग जो हमने पहले कहा था परमानेंट सेटलमेंट यानी कि अस्थायी बंदोबस्त और रैयत सेटलमेंट और यहाँ पे महलवाड़ी सेटलमेंट इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा ये है क्या सेटलमेंट वो भी बताते हैं दरअसल अंग्रेज जो है ना भू राजस्व के वसूल के लिए भू राजस्व के वसूलने के लिए अलग अलग तरीके का नियम बना रहे थे अलग अलग तरीके का एक नियम बना रहे थे उस अलग अलग तरीके के नियम में समय समय पर उसमें चेंजेस भी आ रहे थे भू राजस्व वसूलने के लिए जैसे दस साल के लिए किसी को दे दिया बीस साल के लिए किसी को दे दिया वहां से वसूल रहे हैं कभी किसी को तो लेकिन एक एक जो है ना फिक्स टाइप का कोई नियम नहीं था फिक्स टाइप का कोई नियम नहीं था तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कॉर्नवालिस ने सबसे पहले भू राजस्व की तरफ बड़ा ही बड़ा ही तरीके से ध्यान दिया और उसने क्या किया कि एक बंदोबस्त लाया उस बंदोबस्त का नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट सॉरी उस बंदोबस्त का नाम रखा परमानेंट सेटलमेंट सत्रह सौ तिरानवे में ठीक है सत्रह सौ तिरानवे में सत्रह सौ तिरानवे में परमानेंट सेटलमेंट ठीक है अस्थाई बंदोबस्त अब इसमें था क्या वो जरा एक बार देखते हैं तो सबसे पहले तो एक कर्णवालिस ने पेश किया तो ये बात तो हमने कर्णवालिस को पढ़ाते हुए बता दिया था कि इसको कर्णवालिस लेकर के आते हैं ये बात तो आप जान गए दूसरा पॉइंट ये है कि इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है जमींदारी क्यों जमींदारी व्यवस्था कहा जाता है वो समझिए परमानेंट सेटलमेंट को दरअसल इसमें क्या है कि जमींदारों के साथ सेटलमेंट किया गया किसके साथ सेटलमेंट किया गया जमींदारों के साथ सेटलमेंट किया गया जरा मैं आपको इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझाता हूं बोर्ड पर बड़ा तरीके से देखिए ठीक है यह है परमानेंट सेटलमेंट परमानेंट जिसको अस्थाई बंदोबस्त कहा गया अस्थाई ठीक है अस्थाई बंदोबस्त और एक है आपका और रैयतवाड़ी डेवलपमेंट रैयत ठीक है रैयतवाड़ी और एक है आपका महलवाड़ी ठीक है महलवाड़ी महलवाड़ी ठीक है महलवाड़ी तो ये तीन सेटलमेंट थे इंपॉर्टेंटली जरा हम तीनों सेटलमेंट के कुछ की पॉइंट को आपको बोर्ड पे इसलिए समझाते ताकि आपके खोपड़िया में चले जाए पहला पॉइंट यहां पर यह है कि ये परमानेंट सेटलमेंट किसके साथ किया गया किसके साथ तो यह किया गया जमींदारों के साथ ठीक है जमींदारों के साथ किया गया जमींदारों के साथ तो यानी कि जो जमींदार था उसको ये मान लिया गया कि तुम जो है ना भूमि का स्वामी हो जमींदारों को मान लिया गया तुम भूमि का स्वामी हो इसलिए इसे जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं जमींदारी व्यवस्था भी कहते हैं इसलिए इसे है तो इसे मान लिया गया कि तुम जमींदार क्या हो भूमि के मालिक हो और भूमि के मालिक होने के साथ साथ मालिकाना हक किसको मिल गया अनुवांशिक बना दिया जमीन को कि जमीन जो है ना अनुवांशिक होगा अनुवांशिक और हस्तानांतरणीय और एक मिनट में यहां पे इसको मिटाता हूं ठीक है ठीक है और हस्तांतरणीय बना दिया का मतलब क्या होता है कि अगर जरूरत पड़े तो कोई जमीन को बेच सकता है जमीन को बेच सकता है तो यह बात यहां पे कर दिया गया ठीक है और व्यवस्था किसके साथ किया गया जमींदारों को तो जमीन का मालिक यहां कौन हो गया जमींदार जमींदार को क्या कहा गया कि तुम लगान देगा कितना लगान देगा तो जमींदार को कहा गया कि तुम दस बटे ग्यारह लगान अंग्रेजों को देगा अंग्रेजों को लगान अंग्रेजों को देगा ठीक है मान गए अंग्रेजों को आप दस बटा ग्यारह लगान देंगे तो जमींदार को क्या मिलेगा भाई तो जमींदार को कहा गया कि आप एक बटा ग्यारह अपने पास रखेंगे अपने पास रखेंगे और फिर आपके बाद आपका बच्चा जमींदार का मालिक हो जाएगा लेकिन यहां पर एक और क्लॉज लगा दिया सनसेट क्लॉज सनसेट क्लॉज सूर्यास्त का सनसेट क्लॉज ये सनसेट क्लोज क्या होता है तो इसमें कहा गया कि अगर आप लगान नियत तिथि पे नहीं दे पाए तो आपकी ज़मींदारी को नीलाम कर लिया जाएगा यानी कि नियत तिथि पे लगान अगर आप नहीं देते हैं तो आपकी ज़मींदारी को क्या कर दिया जाएगा नीलाम इसको अगर अच्छे से समझे तो मान के चलो कि 31 तारीख को आपको जो है ना क्या बोलते हैं लगान दे, दे देना है तो अगर 31 तारीख तक लगान ना दे पाए तो तो आपकी जमींदारी नीलाम हो जाएगी और आपकी जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी हो गया ना हस्तानांतरणीय यानी कि जमींदारी किसी और को दे दी जाएगी फिर ये अनुवांशिक और मालिकाना हक आपका सबका ख़त्म ये तभी तक है जब तक आप लगान सही तरीके से हमें दे रहे हैं ये तभी तक ये चीजें आपका काम में आएगा यह बात जमींदारों के साथ किया गया तो जमींदार यहां मालिक तो हो गए ध्यान रखिएगा जमींदार यहां मालिक तो हो गए लेकिन सनसेट क्लॉज ने बहुत सारे जमींदारों का जमींदारी छीना था जिसमें आपके बहुत सारे जमींदार थे जो उस उसके अंतर्गत आते थे जिसमें एक हमारे वीर कुंवर सिंह भी थे ठीक है ना ये बात आप ध्यान में रखिएगा ये हम परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं उसके बाद जब रैयत वारी सेटलमेंट की बात आई तो सेटलमेंट में मैं कलर बदल लिया ठीक है सेटलमेंट में क्या कहा गया कि सीधे सीधे रैयों के साथ सेटलमेंट किया गया रैयत रैयत मतलब जो जमीन जोतता है यानी कि किसान सीधे सीधे सेटलमेंट किसान के साथ किया गया यहां पर किसके साथ सेटलमेंट हो रहा है जमींदार के साथ यहां किसके साथ किसान के साथ सेटलमेंट हो रहा है और यहाँ पे क्या कह रहा है किसान को कि आप जो है ना लगान देंगे ठीक है आप लगान देंगे और आप ही जमीन के मालिक होंगे किसान ही जमीन का मालिक नहीं यहाँ पे किसान जमीन का मालिक नहीं जमीन का मालिक अंग्रेज रहेगा आप रैयत रहेंगे आप रैयत रहेंगे और जमीन को हस्तांतरित कर दिया गया ये भी बात यहाँ पे था और नहीं लगान देने पर आपसे जमीन छीन लिया जाएगा रैयत बंदोबस्त में महलबारी बंदोबस्त में क्या कहा गया महलबारी बंदोबस्त को ध्यान समझना महलबारी बंदोबस्त में क्या कहा गया कि जो जमीन का जो लगान वसूलने का इकाई होगा महाल होगा महाल या जिसको हम पूरा गांव कहते हैं या फिर आप ये कह लीजिए कि एक पंचायत पूरे गांव या पंचायत को महाल को जमीन का लगान वसूलने का अधिकार दिया गया ये बात समझ में आ गया अब वसूलेगा कौन तो प्रधान जो वहां का प्रधान होगा उसको ये दे दिया गया तो ये भी एक तरीके का जमींदारी प्रथा ही था लेकिन यहाँ पे अंतर क्या था कि यहाँ जमींदार को ये बात प्रूफ किया गया कि नहीं तुम मालिक हो और तुम्हारा अनुवांशिक है यहाँ पे प्रधान जो होता था ना गांव को उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप जमीन महल से पूरा लगान वसूलेंगे और अंग्रेजों को देंगे ये महलवाड़ी में है रैयतवाड़ी में क्या कहा गया किसान से लगा से जाकर डायरेक्टली संपर्क किया जाएगा कि तुम ही जा के लगान दोगे अच्छा ठीक है ये बात समझ में आ गया तो क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ पे समझने की चीज सिर्फ यही थी जमींदारी रैयतवाड़ी और माहौलवाड़ी में क्या क्या डिफरेंस था यही बाकी सारे सॉरी बाकी सारे एक जैसे ही है बाकी सारे में कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं है तो अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या इसके ऊपर में बात किए हैं उसको आप ध्यान दीजिएगा अब क्या देखते हैं देखो क्या कहा जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है यह बात हो गया जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया यह बात हमने बता दिया जब मालिकाना अधिकार अनुवांशिक मैंने कहा था ना कि मालिकाना अधिकार क्या होगा अनुवांशिक होगा और हस्तांतरित होगा यह बात हमने आपको बता दिया जमींदारों को किराए का एक बटा दस हिस्सा देना था यह बात हमने आपको बता दिया और जमींदार अपने पास कितना रखेगा एक बटा ग्यारह ये बात हमने आपको बता दिया दस बटा ग्यारह एक बटा ग्यारह सूर्यास्त का नियम जिसको सनसेट क्लॉज कहते हैं उसमें क्या था फसल खराब होने पर भी या कैसे भी नियत तिथि पे पॉइंट यहां पर यह कि नियत तिथि पे अपना राजस्व को कठोर रूप से चुकाना पड़ता था नहीं तो क्या कर लिया जाता था, था ले लिया जाता था, था अब इसमें एग्जाम का क्वेश्चन क्या होगा अगर उसको समझे तो यह एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम का क्वेश्चन है कि परमानेंट सेटलमेंट कहां पे लागू किया गया था बंगाल बिहार और उड़ीसा बंगाल बिहार के क्षेत्र में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया एग्जाम में क्वेश्चन ये बना है ध्यान में आप रखिएगा परमानेंट सेटलमेंट का हमने दुण दुण क्या बताया? कि किसको तो किसान से किया गया ये बात बताया। किसान को मालिक रूप में पहचाना जाना था किसान से ही किया गया। को लगान देना है ये बात आप समझ लीजिए ठीक है अच्छा रैयतवाड़ी सेटलमेंट किसने लाया था रीड और मुनरो ने रीड और मुनरो और आ, क्या बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था कौन ने ठीक है तो रीड और मुनरो द्वारा पेश किया गया एक और इसे 20 से 30 वर्षों के बाद समय समय पे संशोधित किया गया यह भी बात है चलिए इसे कहा लागू किया गया रैयत को तो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में ध्यान रखिएगा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में रैयत के बाद हम लोग बात करते हैं महलवाड़ी जो पंजाब में लागू किया गया था महलवाड़ी हॉल्ट मैकेजी ने इसे लेके आया था यह भी आई है कई बार क्वेश्चन पूछा है कहां पंजाब और उत्तर पश्चिम प्रांत तो पंजाबी समझ लो पंजाब में और ये पूरे गांव और या महल के साथ किया जाता था ये बात हमने आपको बताया पूरे गांव और महल के साथ देखो इंपॉर्टेंट यही है कि व्यवस्था में काम क्या हो रहा है ठीक है किस जगह पे किया गया ये क्वेश्चन तो एग्जाम का पूछा ही है महल या गांव के जमींदार या प्रधान प्रधान सब सबसे सब इंपॉर्टेंट है को राजा सो सुनने का अधिकार दिया गया या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई तो जो बात हम यहाँ पे कर रहे थे अगर मैं उसको पीछे लेकर के चलूँ ठीक है पीछे लेकर के चलूँ तो यहाँ पर क्या दिखता है हमको यहाँ पे हमें वही बात दिखता है तो यहां पर रैय के साथ करना था इसको शुरू किसने किया तो रीड रीड और मुनरो ने मुनरो ने शुरू किया तो मैकेजी ने शुरू ने किया अच्छा ठीक है ये कहा शुरू हुआ तो बम्बई बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसी में बम्बई मद्रास में ठीक है ये कहाँ शुरू हुआ तो पंजाब में पंजाब में ये शुरू हुआ महलवाड़ी और परमानेंट सेटलमेंट कहाँ बंगाल बिहार में परमानेंट सेटलमेंट बिहार बिहार बंगाल में और आपके एग्जाम के हिसाब से ये पूर्ण हो गया यानी कि अब इसमें कहीं कोई कुछ नहीं करना है आपके एग्जाम में यहां से अलग कुछ पूछेगा ही नहीं किसी हाल में नहीं पूछेगा उसको पूछना ही नहीं है इससे अलग कुछ भी हो गया तीनों पक्का चलिए तो ये था हमारा सेटलमेंट जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया सेटलमेंट ठीक है मैकेजी रीड वगैरह सब बता दिया हम लोगों ने सेटलमेंट के बारे में सारी कहानी हम लोगों ने कर लिया एग्जाम का क्वेश्चन आप बनाइए एक बार आपको सारे एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एक भी क्वेश्चन आपको बचेगा नहीं याद रखिएगा सनसेट कॉलो वाला क्वेश्चन क्वेश्चन कई बार पूछा है सबसे क्वेश्चन पूछा जो भी मैंने लिखा जो मैंने बताया मैकेजी रीड कर्णवाली सब क्वेश्चन पूछा है सबसे क्वेश्चन पूछे तो एक बार आप ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन बनाइए और आप कमेंट कीजिए आप क्वेश्चन बनाते हैं कि नहीं बताते पता नहीं चलता है कमेंट आप करते नहीं इसलिए पता नहीं चलता है चलिए रिवेलियन बिफोर 1857 1857 से पहले का जो विद्रोह है हम उसके ऊपर में बात करते हैं यानी कि अब हम 1857 की तरफ बढ़ रहे हैं जब 1857 की तरफ बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि 1857 के पहले के विद्रोह के बारे में एक बार बात कर ले तभी हम 1857 के बारे में बात कर सकते हैं तो अट्ठारह से पहले का जो विद्रोह है उसको यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाया है कब हुआ लीडर कौन था और जगह कौन था ये सब और मैं कोशिश करूंगा कि सारे विद्रोह के बारे में छोटे छोटे कुछ कुछ पॉइंट आपको बताते हुए चलूं जिससे आपको याद हो जाए याद हो जाए चलिए शुरू करें रिवोल्ट सबसे पहला है सन्यासी विद्रोह सन्यासी विद्रोह ये बंगाल के मिर्नापुर वगैरह के इलाकों में इस विद्रोह को किया गया था और चूंकि नाम से जैसा कि आप जानते हैं इसमें साधु संतों का विद्रोह था जो कि बंगाल के अव्यवस्था से बड़ा ही नाखुश था और बंगाल के अव्यवस्था से नाखुश होने के कारण इन्होंने विद्रोह कर दिया था विद्रोह बहुत ज़्यादा तेज था और इस विद्रोह का चर्चा बंकिम चंद चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया है और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत लिया गया है इसी आनंद मठ से बंदे मातरम भी लिया गया है याद रखिएगा और बंकिम चंद चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह के ऊपर चर्चा है तो सन्यासी विद्रोह के ऊपर चर्चा है ये बंगाल के मिदनापुर में विद्रोह हुआ था ये बातें हमने आपको बताया बंगाल के मिदनापुर में इस बात को आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा बेटा यहाँ पे ध्यान रखिएगा पक्का ना चलो आगे हम लोग बात करते हैं चुआार विद्रोह चुआर विद्रोह यह सत्रह सौ छियासठ बहत्तर का विद्रोह अगर याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है चुआर और हो विद्रोह है यहाँ पे राजा जगन्नाथ इस विद्रोह का आ, आ, क्या बोलते हैं लीडर है और यह भी बंगाल के क्षेत्र में विद्रोह हुआ था बेला टंपी ये इंपॉर्टेंट विद्रोह है ये दरअसल दीवान है कहाँ के दीवान है ट्रावन कोर के दीवान है याद रख ये लिख लीजिएगा कुछ कुछ बातें जो मैं नहीं मैंने पहले भी कहा कि जो आपको मैं बोर्ड पे बताऊंगा वो बातें साथ मैंने आपको पीडीएफ में नहीं दिया है तो उसको आप एक बार लिखेंगे अपने कॉपी में ठीक है इस तरीके से लिस्ट बना करके चाहे जब पीडीएफ मिलेगा तो पी में वीडियो देख करके आ, कर लीजिएगा सबसे अच्छा पढ़ने का तरीका ये होता है कि पी मिल जाए तो पी को डाउनलोड कर लो और फिर वीडियो को पढ़ लो एक एक करके ठीक है ये बहुत अच्छा तरीका होता है पी के साथ पढ़ना तो कहाँ के दीवान थे ये तो ट्रावन कोर के दीवान थे ट्रावन कोर ट्रावन कोर के दीवान थे अब ये क्या है कि ट्रावन कोर पे अंग्रेजों ने कुछ टैक्स वगैरह लगाया था और वो टैक्स जो है ना नहीं पे कर रहे थे ट्रावन कोर के राजा फिर एकदम से बहुत सारा टैक्स हो गया और पे नहीं हो रहा था तो उसको लेकर के अब चूंकि टैक्स बहुत पे करना है और सहायक संधि के हिसाब से भी ये काम चल रही थी तो बेला टम्पी जो कि क्या बोलते हैं ट्रावण कोर का दीवान था उसने विद्रोह कर दिया ट्रावणकोर के दीवान था और इसी को बेला टम्पी विद्रोह कहते हैं ट्रावनकोर ठीक है ना ध्यान रखिएगा ट्रावणकोर का दीवान था बेला टम्पी जो कि विद्रोह किया था अपने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ में विद्रोह कर दिया था चलिए भील ये महाराष्ट्र का इलाका है महाराष्ट्र और गुजरात का इलाका जहाँ के ये सबसे प्रमुख आबादी हैं इन्होंने विद्रोह किया था बेस्टोन घाट में जो महाराष्ट्र का बात मैंने बताया उसी में ठीक है रामोसी रामोसी यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा कि चितुर सिंह इस विद्रोह के नायक है चितुर सिंह बेस्टॉन घाट में ही रामोसी एक जनजाति है उसके द्वारा इसको विद्रोह किया गया था अच्छा एक बात मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ मैं बोर्ड पे फिर से एक बार लेकर के चलता हूँ ताकि मैं कुछ चीज़ों को आपके साथ क्लियर कर सकूँ बोर्ड पर क्लियर करने वाली बात यह है कि अगर कोई भी रिवेलियन हुआ हो कोई भी विद्रोह हो उस विद्रोह का अगर कारण के ऊपर हम लोग बात करें उसके अगर हम कारण को देखें कि क्या कारण हो सकता है तो कारण बड़ा कॉमन है अंग्रेजों का शोषण अंग्रेजों का शोषण एक दूसरा जमीनों को हड़प लेना हड़प लेना तीसरा कर की अधिक दर चौथा महाजन साहूकार का शोषण महाजन साहूकार का शोषण कर की अधिक दर जमीनों को हड़प लेना ये सारे के सारे जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट ये कुछ कॉमन है जो कि आपको सारे विद्रोह का कारण बनेगा खास करके जब हम किसान और आदिवासी विद्रोह पढ़ते हैं तो किसान और आदिवासी विद्रोह का अगर मुख्य रूप से कारण कहा जाए देखो ये जो मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ ना ये ये मैंने यूपीएससी से सीखा है ठीक है मतलब मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को कि कैसे देखना चाहिए चीज़ों को रट्टा कितना मारोगे ऐसा मुझे सिखाया गया कि रट्टा कितना मारोगे और मैं भी वैसे ही सीखा जैसा सिखाया गया तो मैं जैसे आपको बताता हूँ वैसे आप भी सीखिए रट्टा कितना मारोगे हमारे सर कहते थे रट्टा कितना मारोगे तरीका होता है तरीका क्या होगा सिंपल है भाई अंग्रेज आया किस लिए शोषण करने के लिए तो उसके शोषण से विद्रोह होगा तो अंग्रेज शोषण कैसे करेगा तो कर की दर को बढ़ाएगा जमीनों को हड़प लेगा अगर जमीन नहीं हड़पेगा तो वहां पर इतना रेट रख लेगा कि आप जो है ना जमीन को उसकी संपत्ति उसका जमीन छीन लेगा महाजन साहूकार का एंट्री होगा तो ऋण के जाल में फंसते चले जाएंगे यहाँ पे महाजन साहूकार का शोषण ऋण का जाल ये भी आप लिख सकते हैं ऋण का जाल ऋण के जाल में फंसता चला जाएगा ये भी कारण है तो ये सारे कारण बड़ा कॉमन है जो कि आपको रट्टा नहीं मारना बस दिमाग में रखना है कि क्या हो सकता है तो यही सब कारण आप, आपको मिलेगा क्या विद्रोह का ये एक एक कंसेप्ट है मतलब बस आ, किताब देखने की जरूरत नहीं है इसमें बस रात में दो बजे भी मुझे सु, सु, सुला के उठा देगा बोलेगा कि बताओ आदिवासियों के विद्रोह का क्या कारण है तो मैं ये रट्टा मारना शुरू कर दूंगा अंग्रेजों का शोषण करके दरबड़ गया और जमीन हड़प लिया ये सारा बात मैं बताना शुरू कर दूंगा जैसे कि मैंने आपके सामने में इसको लिख दिया तो ये ये चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट है ठीक है इसको आप समझिएगा और जब इसको आप समझ रहे हैं तब विद्रोह को आप देखिए तो जब विद्रोह को आप देख रहे हैं तो हम लोग क्या बोल रहे थे रामोसी विद्रोह अट्ठारह सौ सिंह ध्यान रखिएगा चित्र सिंह में और बेस्टर्न घाट में यह विद्रोह हुआ था उसके बाद अहोम से भी समझ में आ रहा है आसाम का विद्रोह था ठीक है गोमधर कुवर दरअसल ये एक राजाओं का मतलब इस इस सारे विद्रोह में ये एक अभिजात वर्ग का विद्रोह माना जाता है अभिजात वर्ग का विद्रोह अभिजात वर्ग का विद्रोह माना जाता है अहम विद्रोह को क्योंकि वहाँ पे राजा की गद्दी छीनने के चक्कर में ये पूरा का पूरा विद्रोह हुआ था और गोमधर कुंवर इसके लीडर थे गोमधर कुंवर खासी ये खासी विद्रोह तीरथ सिंह इसके लीडर थे खासी यानी कि गारो खासी जयंतिया का जो मेघालय का इलाका है वहाँ पे ये विद्रोह हुआ था क्या हुआ था कि उस पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया था अंग्रेजों ने और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, का काम चल रहा था रोड वगैरह बनाने का काम और जिसको लेकर के बड़ा ही रोष था वहाँ के स्थानीय लोगों में तो तीरथ सिंह ने उस उस रोष को भुनाया और विद्रोह खड़ा कर दिया तो ये विद्रोह खांसी के पहाड़ी पे था जहाँ पे रास्ता कम्युनिकेशन के रास्ता बनाने के लिए अंग्रेज काम कर रहे थे और वहाँ पे लोगों को जबरदस्ती काम भी कराया जा रहा था यह बहुत सारी इसमें बातें हैं फिर से कॉन्सेप्ट आ जाएंगे ठीक है चलिए कोल कोल विद्रोह इकतीस बत्तीस बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह को छोटा नागपुर में शुरू किया था कोल विद्रोह ठीक है कोल पागलपंथी पागलपंथी एक तरीके का धार्मिक विद्रोह था धार्मिक विद्रोह अर्ध धार्मिक पागलपंथी और धार्मिक विद्रोह था यह धार्मिक विद्रोह था अपने कॉपी में लिख सकते हैं करम शाह ने इसे स्टार्ट किया था बंगाल में धार्मिक विद्रोह था पागलपंथी विद्रोह और उसी तरीके से फराइजी भी एक तरीके का धार्मिक विद्रोह था जिसे हाजी सरयतुल्लाह ने शुरू किया था और आगे चल करके दादू मियाँ इस विद्रोह को आगे बढ़ाते हैं तो एग्जाम में आपको दोनों में से कोई भी क्वेश्चन का ऑप्शन दे सकता है कि फराइजी विद्रोह के नेता कौन थे तो या तो सरयतुल्लाह कर दे या दादू मिया कर दे हाँ क्या बोलते हैं फराइजी द्रो के संस्थापक कौन थे तो संस्थापक हाजी सरियतुल्ला है संस्थापक कौन है हाजी सरियतुल्ला लेकिन पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर नेता के रूप में बात करें तो दोनों में से कोई भी नेता ऑप्शन में दे सकता है दादू मियां दादू मियां दरअसल सरियतुल्ला का बेटा था दादू मियां दरअसल यह बात है और संथाल द मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्रोह सिद्धू कानू हालांकि सिद्धू गानू छोटा नागपुर में और चांद भैरव चार भाई थे यहाँ पे संथाल विद्रोह में अगर इसके ऊपर भी आप हमको कहते हैं कुछ बात करने के लिए तो मैं कर ही दू आपसे ठीक है संथाल विद्रोह को लेकर क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है संथाल इस विद्रोह को कहा किया गया था छोटा नागपुर जो आज वर्तमान में झारखंड का इलाका है तो छोटा नागपुर के इलाका में यह विद्रोह किया गया था ठीक है इस विद्रोह के लीडर कौन थे सिद्धू कान्हू चांद भैरव चारों भाई इस विद्रोह के नेता थे चारों भाई ठीक है और विद्रोह इतना ज्यादा मतलब बहुत भयानक रूप से भड़का हुआ था कि अंग्रेजों को इस विद्रोह को दबाने में बहुत ज्यादा ताकत लगाना पड़ा और उसमें भी नहीं विद्रोह दब सका दरअसल इस विद्रोह को शांत करने के लिए अलग से संथाल परगना संथाल परगना बनाया गया संथाल परगना बनाया गया अलग से आप समझ लीजिए कि इनके नाम पे एक अलग परगना ही बना दिया गया तब जाकर के विद्रोह समाप्त हुआ और आप जानते हैं कि संथाली भाषा आपके संविधान के आठवीं अनुसूची में है संथाली आपके संविधान के आठवीं अनुसूची में संथाली भाषा को ऐड किया गया है ये बात भी आप जानते हैं तो ये संथाल विद्रोह सारे विद्रोह का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी के ऊपर में पचपन छप्पन में विद्रोह हुआ था सबसे ज्यादा इसी के ऊपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं चांद सिद्धू गानू चांद भैरव ये चार भाई थे चारों ने विद्रोह को आगे बढ़ाया था चलो आगे बढ़े आगे बढ़ते हैं हम लोग विद्रोह के ऊपर में बात कर लिए हैं विद्रोह जो अठारह से पहले का था हम उसके ऊपर में बात किए हैं मैंने मैं फिर से एक बता दूं सन्यासी विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह के बारे में चर्चा है चुआार विद्रोह सत्र शत, सत्रह सौ छियासठ बहत्तर दरअसल टाइम पीरियड अगर आपको याद ना रहे ना तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैंने इसको अरेंज कर दिया है मतलब तरीके से ठीक है ना देख रहे हैं तो चुआर है बेला आ, राजा जगन्नाथ इसके राजा आ, मतलब लीडर हैं बेला टम्पी के लीडर है बेला टम्पी ही ठीक है जो च्रावन कोर के दीवान थे और भील जो वेस्टॉन घाट में ये भी जनजाति अब जो, किस कारण से तो कारण मैंने सब बता दिया रमोसी विद्रोह चितुर सिंह वेस्टॉर्न घाट में अहोम विद्रोह असम में गोमधर कुंवर ये एकमात्र अभिजात वर्ग का विद्रोह है अभिजात वर्ग का जो बात में अभिजात वर्ग का मतलब होता है अमीर वर्ग जिसको राजा वर्ग बोला जाता है राजा वर्ग राजा वर्ग बोला जाता है अभिजात को जिसको कुलीन भी बोला जाता है कुलीन हिंदी में कुलीन बोला जाता है और इंग्लिश में अपर क्लास बोला जा सकता है खासी विद्रोह इसके राजा है इसके विद्रोह के नेता है तीरथ सिंह कोल विद्रोह के नेता है बुद्धू भगत पागलपंथी जब मैंने आपको कहा कि एक तरीके का धार्मिक विद्रोह है जिसके नेता है करम शाह और फराइजी ये एक तरीके का धार्मिक विद्रोह है जिसके संस्थापक है हाजी सरियतुल्लाह और नेता में हाजी सरियतुल्लाह और उनके बेटे दादू मियाँ दोनों का नाम आ जाता है प्लेस आप देख सकते हैं और संथाल के बारे में हमने अच्छे तरीके से आपको समझाया भी तो यह कुछ विद्रोह था जो अठारह से पहले का विद्रोह था अठारह से पहले का जो एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन जाता है एग्जाम का क्वेश्चन में आप यहाँ पे ध्यान में दीजिएगा चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं अब हम लोग बात करेंगे अट्ठारह का विद्रोह द वेरी इंपॉर्टेंट अट्ठारह का विद्रोह यानी कि सिपाही म्यूटनी सिपाही म्यूटनी बोला जाता है अठारह सत्तावन के विद्रोह कारण क्या था वो देखते हैं देखो जब अट्ठारह सौ सत्तावन के विद्रोह की बात करते हैं ना तो इससे पहले के सारे कारणों को आप इकट्ठा कर लीजिए और रट्टा नहीं मारिए रट्टा की मन नहीं मारिए क्योंकि ये सब कुछ कॉन्सेप्ट पे चलता है जैसे कि हमने कहा कि अवध का विलय तो अवध के विलय से सिपाही नारुष्ट हो गए ये एक कारण बन गया दूसरा अब चूंकि अंग्रेजों का शोषणकारी नीति था तो इससे साधारण लोग भी अस्त व्यस्त थे तो कहीं ना कहीं साधारण लोगों का बच्चा ही सिपाही में जाता था तो ये भी एक कारण बन गया ठीक है राजनीतिक कारण भी हो गया सब कुछ देख लेना सहायक संधि ब्रिजली का मैंने कहा अब जो जितने भी राजा थे उनको जैसे कि झांसी

लेकिन मैं आपको इसको समझाऊंगा इसलिए नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि आप यू के एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे मुझे ऐसा लगता है तो अगर आप यू के एग्जाम देने नहीं जाएंगे तो बनाने को तो मैं इसको बना लिया लेकिन ये आपके काम का नहीं होगा तो आपके काम का क्या होगा वो अगर मैं आपको बताऊं तो आपके काम का सबसे इंपॉर्टेंट होगा तात्कालिक कारण और भी कारण देख लीजिए त्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे गए हैं ठीक है चर्बी वाला कारतूस तो ये एक पॉइंट हो गया अब जरा हम इस पॉइंट को बोर्ड पे समझाते हैं है क्या ये चीजों को ठीक है तो अठारह और इसके कारण ठीक है विद्रोह कारण कारण बहुत सारे हैं सिपाही से जुड़े हुए कारण है ठीक है सिपाही को सही तरह से वेतन नहीं देना सिपाही को गंदे हालात में रखना ये सब लिखा हुआ मिल जाएगा जो मैंने आपको दिखाया मैं बस समझा देता हूँ सिपाही को वेतन नहीं देना या वेतन कम देना भारतीय सिपाही को भारतीय सेना को और उसको गंदे हालात में रखना है ना उसके खाने पीने का अच्छा व्यवस्था नहीं करना रंग भेद यानी कि उसको गाली बकना उसका प्रमोशन नहीं होना ये सब सिपाहियों से जुड़े हुए कारण थे ठीक है धार्मिक कारण भी थे बहुत सारे अंग्रेज जो है ना भारत के धार्मिक नीतियों में हस्तक्षेप करने लगे थे जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन ठगी पर अब चूंकि सती प्रथा है पॉजिटिव चीज़ है लेकिन उस समय के लोगों को कौन समझाए तो धार्मिक चीज़ों में इन्वॉल्व होने लगे थे जो सैनिक थे जो ऊँचे वर्ग के सैनिक थे उसको निम्न वर्ग के सैनिक या इस अलग अलग धर्मों के सैनिक के साथ रखा जाता था एक साथ खाने के लिए बाध्य किया जाता था तो ये धार्मिक कारण था और राजनीतिक कारण आप देख रहे हैं कि अवध का विलय है ठीक है राजनीतिक कारण आप क्या देख रहे हैं अवध का विलय है या व्यपगत सिद्धांत जो डोलहोजी का आपने पढ़ा या सहायक संधि जो बिलेजली का आपने पढ़ा ये सारे कारण यहाँ पे बन जाते हैं तो कारण बहुत लंबा लिस्ट है इन सारे कारण में सबसे इंपॉर्टेंट सबसे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तात्कालिक कारण ठीक है तात्कालिक कारण वो था चर्बी वाला कारतूस चर्बी वाला कारतूस अब ये चर्बी वाला कारतूस क्या था तो ये ये था कि नई राइफल आई थी नई इनफील्ड राइफल आई थी और उस नई इनफील्ड राइफल में जो गोली भरा जाता था ठीक है वो नई इनफील्ड राइफल में जो गोली भरा जाता था उसको रैप करके रखा जाता था गाय ऐसा ऐसा मतलब फैलाया गया अब ये सही फैलाया गया गलत फैलाया गया ये अलग बात है लेकिन जो फैलाया गया गाय और सुअर की चर्बी में उसको रैप किया जाता सुअर की चर्बी में रैप करना होता था और उस रैपर को दांत से काट करके सैनिक उसमें गोली भरते थे तो ये कहीं कही ना कहीं हिंदू और मुसलमान यानी कि इस्लाम मानने वाले और हिंदू मानने वाले दोनों ही धर्म के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खराब बात था और उस ये आंदोलन को सुलगाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया अलगोन आंदोलन को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान दिया क्योंकि गाय और सुअर की चर्बी वाला कहानी यही होता है तत्कालिक कारण और यही बनता है आपके एग्जाम का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ठीक है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है आपके एग्जाम का और इसी समय चर्बी वाले कारतूस के कारण ही आप, आप जानते हैं कि बंगाल के बैरकपुर में एक सैनिक होता है जिनका नाम होता है क्या मंगल पांडे वो विद्रोह शुरू कर देते हैं और अपने रेजिमेंट के दो बंदे को गोली मार देते हैं दो अधिकारी को गोली मार देते हैं कारण हो गया यहाँ पे ठीक है दो अधिकारी को गोली मार देते हैं और विद्रोह वहाँ से शुरू होता है हालांकि उसको दबा दिया जाता है लेकिन विद्रोह शीघ्र ही मेरठ पहुँच जाता है वहाँ से शुरू हो जाता है तो ये बात मैंने कुछ लिखा है उसको मैं फिर से एक बार समझाऊँगा अट्ठारह को मंगल पांडे ठीक है विद्रोह मेरठ से शुरू होता है ठीक है ना और यहाँ पे चीजें मेरठ से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है तो अब मैं इसको समझाता हूँ जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे ना तो इसको अच्छे से समझिएगा जब आप बिपिन चंद्रा पढ़ेंगे ना तो बिपिन चंद्रा का जो संघर्ष है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष उसका पहला अध्याय अठारह की क्रांति ही है जिसमें वो कहते हैं शुरुआत में कि अभी दिल्ली में सवेरा उतरा ही था या कि जो मेरठ के सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ पे बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित करते हैं मतलब ये सारी चीज़ें चल रही थी लेकिन कहानी कुछ इस तरीके से शुरू होता है कि चर्बी वाला कारतूस या फिर जो तत्कालिक कारण था या और भी कारण मिला करके जो एक तरीके का पूरा का पूरा बम बना के रखा हुआ था अपने मन में सैनिकों ने वो बम फूटता है मंगल पांडे के द्वारा पहली बार जब बैरकपुर में वो अपने दो अंग्रेज़ अधिकारी को गोली मार देते हैं मंगल पांडे जैसे ही गोली मारते हैं अपने अंग्रेज अधिकारी को उनके पूरे के पूरे जो रेजिडेंट है या उनके पूरे के पूरे जो क्या बोलते हैं इन्फेंट्री है उसको भंग कर दिया जाता है थर्टी फोर एन आई इन्फेंट्री था यही था शायद नाम तो उसको भंग कर दिया जाता है मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है उनके सहायता करने वाले सैनिकों को फांसी दिया जाता है बहुत को गोली मार दिया जाता है मतलब मिला जुला करके आंदोलन को इतना दर्दनाक तरीके से दबाया गया कि वो वहीं पर रुक गया लेकिन ये रुकने वाला नहीं था कुछ ही दिनों में कुछ ही दिनों मतलब बस चंद घंटे वाली बात है ये मेरठ पहुंचता है और मेरठ में जो आंदोलन शुरू होता है वो पूरे भारत से आंदोलन बावरे पूरे भारत में फैल जाता है क्योंकि मेरठ के सैनिक आंदोलन करते हुए अपने साथ बहुत सारे सिपाहियों को लेकर के आगे बढ़ते हैं शास्त्रागार से शस्त्र लूटते हैं रास्ते में जितने भी अंग्रेजी मोनूमेंट्स मिलते हैं जहाँ पे अंग्रेज सेना का या अंग्रेजी सत्ता का एक केंद्र दिखाई देता है जहाँ से शासन व्यवस्था चलाई जाती है सबको तोड़ते फूरते दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं और दिल्ली में बड़े बहादुरी से अंग्रेजी सेनाओं से लड़ते हैं और अंग्रेजी सेनाओं को हराते हैं और पूरे दिल्ली को विद्रोही अपने कब्जे में लेता है और वहाँ है और पे सेनापति बख्त खान दिल्ली में सेनापति कौन है बख्त खान और सिर्फ अंग्रेज जो विद्रोही सैनिक है वो अपने साथियों के साथ जिसमें उनको स्थानीय लोगों ने भी योगदान दिया कहाँ पहुंचते हैं बहादुर शाह जफर के पास और बूढ़ा आदमी एकदम अस्सी साल का बूढ़ा बहुत बूढ़ा आदमी बहादुर शाह जफ़र जैसे ही सैनिक को देखते हैं पहले घबरा जाते हैं ये आया किस लिए है तो सैनिक उनको बोलते हैं कि आप अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर कीजिए तो बहादुर साहब जफर कहते हैं अबे मैं तो हूँ सम्राट घोषित क्या करना है तो सैनिक कहता है झुठ्ठों के सम्राट हैं आप झुठ्ठों वाला सच्चों वाला आप घोषित कीजिए आपके लिए हम लड़ेंगे तो बहादुर शाह कहता है ये सच्चों का सम्राट कह रहा है घोषित करने के लिए कहीं काम गड़बड़ ना कर दे उसको डर लग जाता है लेकिन वक्त खान और भी उनके जो बच, बच्चे होते हैं वो सब समझाते हैं तो बहादुर शाह जफर अपने आप को भारत का सम्राट घोषित करते हैं और सैनिकों का लीडर भी घोषित हो जाते हैं बहादुर शाह जफर और फिर वहाँ से काम शुरू हो जाता है फिर ये तो दिल्ली की बात हो गई दिल्ली के बाद धीरे धीरे आंदोलन झांसी लखनऊ बिहार यानी कि बिहार में जो आरा ज़िला है जहाँ पे हमारे वीर कुंवर सिंह थे वे इन सब जगहों पे आंदोलन बहुत तेज़ी से फैल जाते हैं तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा अच्छा सब के हर राजाओं का या हर जमींदार का आंदोलन में जुड़ने के अपने अपने कारण थे वो कारण को अगर पीछे छोड़ दिया जाए तो ये आंदोलन स्वतः स्फूर्त था इसका कोई लीडर नहीं था हाँ आगे चल कर के ज़रूर इसके लीडर के ऊपर में बात होती है जब आप देखते हैं कि कुंवर सिंह आगे बढ़ते हैं और एक ही रात में पंद्रह सत्रह हज़ार सैनिकों को जमा कर लेते हैं सत्तर वर्ष का आदमी फिर रानी लक्ष्मीबाई को देखते हैं कि किस तरीके से अपने निजी जो उनका अंगरक्षक अच्छा है या सहयोगी है उसके साथ अंग्रेजों से लोहा लेते हैं फिर आप देखते हैं कि किस तरीके से बेगम हज़रत महल इसमें योगदान देने लगते हैं फिर तात्या टोपे नाना साहेब सैतुल्ला और भी बहुत सारे लोग इसमें योगदान देना शुरू कर देते हैं तो लीडरशिप आता है लेकिन बाद में आता है शुरुआत में ये स्वतः स्फूर्त है जो सैनिकों ने इस चीज़ को शुरू किया हाँ लेकिन एक केंद्रीय लीडर यहाँ नहीं है केंद्रीय लीडर नहीं है मतलब क्या कि कोई ऐसा इंपॉर्टेंट ऐसा कोई लीडर नहीं है जो एक फरमान जारी करे और सब उसके हिसाब से काम करे ऐसा नहीं था सब अपने अपने तरीके से लड़ाई लड़ रहे थे वीर कुंवर सिंह जरूर चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश किए थे बेगम हजरत महल से बात किए थे या फिर नाना साहब से बात करने की कोशिश किए थे लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे तो पूरा आंदोलन एक तरीके का स्वतः स्फूर्त था बाद में चल करके थोड़ा बहुत लीडरशिप इसको प्राप्त होता है लेकिन मिला जुला करके इस आंदोलन को लीडर विहीन आंदोलन का संज्ञा देते हैं इतिहासकार क्यों क्योंकि उसके पीछे कोई केंद्रीय जो एक लीडर होता है ना जो उसका सत्ता केंद्र वाली बात तो वो नहीं दिखाई देता है अब आप बोलेंगे सर बहादुर शाह जफर तो वो भी एक दिल्ली तक ही और बूढ़ा आदमी उसमें बहुत क्षमता नहीं था कि सबको लीड कर सके तो उसको भी यहाँ पे नहीं मानते हैं उसको भी स्थानीय स्तर से ही दिखाई पड़ता है ठीक है बहादुर शाह जफर जो मुगल अंतिम मुगल सम्राट भी होते हैं तो अब हम देखते हैं कि ये जो पूरी कहानी है और किस तरीके से आंदोलन चारों तरफ फैलने लगा फिर झांसी की रानी देखते हैं कि कितना अंग्रेज़ों के साथ उनकी लड़ाई हुई और अब और आज जानते हैं कि हमारे वो हीरो है नेशनल हीरो है झांसी की रानी तो ये लड़ाइयाँ अलग अलग तरीके से लड़ने लगी और ये पूरा का पूरा विद्रोह यूपी वर्तमान में यूपी बिहार और आपके नीचे में मध्य प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पे विद्रोह सबसे ज़्यादा देखा गया दिल्ली वगैरह के विद्रोह में दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता रहा अछूता का मतलब दक्षिण भारत में इस विद्रोह का कोई ज़्यादा प्रभाव या प्रभाव दिखता ही नहीं है अगर इतिहासकारों के हिसाब से देखे तो, तो ये नॉर्थ इंडिया का ही पूरा का पूरा आंदोलन रहा आंदोलन बड़ी तेज़ी से रहा लेकिन आंदोलन दबा दिया गया अच्छा आंदोलन क्यों दबा दिया गया तो देखो आंदोलन तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा कुछ राजा आंदोलन में साथ भी दिए कुछ जमींदार आंदोलन में साथ भी दिए जैसे कि नाम मैं आपको गिनती कराया लेकिन इससे ज्यादा राजाओं ने आंदोलन में सिपाहियों के विरोध में थे यानी कि अंग्रेजों के साथ थे जैसे सिंधिया अंग्रेजों के साथ थे तो ये आंदोलन में जो बड़े बड़े लोग थे जो आंदोलन में अंग्रेजों के साथ थे उन्होंने एक तरीके अवरोध का काम किया बैरियर का काम किया आंदोलन को आगे बढ़ने में रोकने का काम किया और इससे क्या हुआ आंदोलन कमजोर पड़ते चला गया एक दूसरा क्या है? जो पढ़े लिखे वर्ग थे नया नया पढ़ के आया था उनको अंग्रेजों पे ज्यादा बिलीव था कि वो हमको सब करेगा तो वो आंदोलन में शामिल नहीं थे उसके बाद लोगों की भागीदारी तो थी लेकिन सीमित स्तर पे था तो बहुत ऐसे चीजें थी जो आंदोलन को कमजोर करने के पक्ष में था एक दूसरा जो सैनिक थे वो व्यवस्थित रूप से नहीं लड़ रहे थे ठीक है यानी कि वो एक भीड़ की तरह लड़ाई कर रहे थे तो उनमें कोई एक तरीके का नीति और कोई प्लानिंग नहीं था शस्त्रों की कमी थी लाठी भाले लड़ाई के जो शस्त्र थे वो बहुत कम थे तो ये बहुत सारे कारण थे जो कि आंदोलन को ख़त्म होने में ध्यान देते हैं लेकिन आंदोलन होना और आंदोलन को इतना बड़ा फैल जाना ये अपने आप में बड़ी बात थी और अठारह की क्रांति एकमात्र ऐसा क्रांति है जिसके ऊपर में इतिहासकार जितने हैं ना सबसे ज्यादा किताब इसके ऊपर में लिखा गया है सबसे ज्यादा टॉपिक है ये कंट्रोवर्सी का और सबसे ज्यादा कोई भी इसके एक निहित जो बोलते हैं ना कि निश्चित मत पे नहीं पहुंचता है और निश्चित मत पे अगर नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब है कि इस पर किताब लिखता रहेगा क्योंकि निश्चित मत पे और एविडेंस के साथ पहुंच जाने का मतलब है कि काम ही खत्म हो गया अब कुछ ऐसा मिला नहीं है तो जिसका जो दिमाग का उपज होगा अपने हिसाब से किताब लिखेगा तो ये बात भी अट्ठारह के साथ हो रहा है अब देखते हैं एग्जाम का क्वेश्चन इस कहानी के बाद तो क्या देखते हैं हम विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ मेरठ से शुरू हुआ और उसके बाद पूरे भारत में फैल गया सिपाहियों ने बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल सम्राट है को सहनशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया ठीक है विद्रोह लखनऊ बेगम हजरत महल है यहाँ पे लखनऊ इलाहाबाद कानपुर बरेली बनारस बिहार झांसी मध्य और उत्तरी भारत के क्षेत्रों तक ही सीमित रहा यहीं तक रहा ठीक है चलिए आगे देखते हैं हम लोग विद्रोह में कहाँ से कौन था और कौन ब्रिटिश कमांडर थे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो दिल्ली मैंने कहा बख्त खान और बहादुर शाह जफर दोनों का नाम यहाँ पे लिखेंगे बख्त खान का भी नाम लिखेंगे और बहादुर शाह जफर का भी नाम यहाँ पे लिखेंगे तो बख्त खान और बहादुर शाह जफर दोनों का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा जॉन निकलसन है ब्रिटिश कमांडर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं ब्रिटिश कमांडर कौन कहाँ था कानपुर में नाना साहब है यहाँ पे कॉलिन कैम्बिल है लखनऊ में हजरत महल है यहाँ पे कॉलिन कैम्बिल है ये एग्जाम में क्वेश्चन देखिएगा झांसी वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि झांसी के अंग्रेज का कौन था तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई है और ह्यूज रोज समझ लीजिए कि बहुत बड़ा गुलाब ह्यूज रोज जो है ना ये यह यहाँ पे ये यह बड़ा भी वी है ये क्या कहता है जानते हो जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है नया घोड़ा था खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी आपने सुभद्रा कुमारी चौहान का यह कविता जरूर पढ़ा होगा अपने बचपन में ठीक है नाना के संग खेली थी वो नाना के संग है ना बर्ची भाल कटार यही उसकी सहेली थी ये कविता है मैं अगर सही तरीके से करूँ तो मुझे याद आता चला जाएगा बहुत बचपन में पढ़ा पढ़ाऊँ आज तक याद है सुभद्रा कुमारी चौहान चलिए हम बात करते हैं तो रानी लक्ष्मी बाई जब मरे थे ना तो रानी लक्ष्मी बाई को मरे हुए देखने के बाद ह्यूज रोज ने कहा था कि ये एकमात्र मर्द है जो सोई हुई है इतनी बहादुरी से उन्होंने लड़ाई लड़ी थी रानी लक्ष्मी बाई हालाँकि कहते हैं कि नाला पार नहीं कर पाया उनका घोड़ा बिल्कुल नया घोड़ा था उनका जो पुराना घोड़ा जो उनका अपना वफादार था वो थक गया था तो ये सारा कहानी उसमें आपको दिख जाएगा चलिए इलाहाबाद से लियाकत अली थे यहां पे नील है राजा सॉरी ब्रिटिश कमांडर नील है ह्यूज रोज याद रखिएगा जगदीशपुर से कुंवर सिंह है विलियम टेलर है कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि सत्तर वर्ष का बूढ़ा आदमी और एक रात में इतने सैनिक इकट्ठा कर देते हैं सहयोगी इकट्ठा कर देते हैं और जहां भी जाते हैं युद्ध जीतते हैं इन्होंने अट्ठारह सौ सत्तावन की लड़ाई में कोई लड़ाई हारा नहीं तब तक जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो गई और उनकी मृत्यु एक गोली लगने से हाथों में हो गई थी तो उन्होंने हाथ काट करके गंगा मैया को चढ़ा दिया था गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ा दिया था ऐसा कहते हैं और ये सच बात है जहाँ वीर कुंवर सिंह की मूर्ति आपको मिलेगी एक हाथ उसमें नहीं मिलेगा एक हाथ काट करके उन्होंने गंगा मैया को चढ़ावा चढ़ा दिया था ऐसे थे महान पुरुष अभी भी मैं चूँकि इतिहास मैंने अच्छे तरीके से पढ़ा हूँ तो जब मैं इसको पढ़ता हूँ तो अंदर से एक थोड़ा सा ना वो गुदगुदी सी होने लगती है रोए खड़े होने लगते हैं ठीक है फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला ठीक है और बरेली से खान बहादुर खान ठीक है बड़े से खान बहादुर खान ओपिनियंस ये क्वेश्चन एग्जाम का है ओपिनियन इसको कभी इग्नोर मत करना ओपिनियन को ओपिनियन इग्नोर मत करना बेटा द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वी डी सावरकर ने कहा था और ए नेशनल रिवोल्ट रूटेड इन डीप मिस्ट्रस डिजराइली यानी कि भीड़ सावरकर कहते हैं भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भीड़ सावरकर करते हैं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर नाम सुना होगा आप लोगों ने और डिजरैली जो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना था उसने कहा था कि ये अविश्वास के आ, का एक प्रमुख कारण है ये जो रिवोल्ट है एक राष्ट्रीय आंदोलन है जिसका प्रमुख कारण क्या है अविश्वास है मिस्ट्रस्ट है डिजरेली ने कहा था जो जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भी बना था ठीक है तो ये एक पॉइंट जो आप ध्यान में रखिएगा एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बना था अब विद्रोह जानते हैं कि दब दब गया तो जब विद्रोह दब गया तो उसके परिणाम क्या हुए यानी कि विद्रोह के समाप्त होने के बाद क्या परिणाम हुए वो अगर आप देखते हैं तो अट्ठारह का एक एक्ट आया भारत सरकार अधिनियम अट्ठारह और इसी एक्ट से गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया और इस समय आप जानते हैं कि इस समय आ, कौन था कैनिंग था तो कैनिंग को वायसराय बनाया गया और ये अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय यही बात मैंने आपको लिखा फर्स्ट वायसराय वाज कैनिंग यही बात मैंने यहां पे लिखा है चलिए और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट काम हुआ ये ये सारे एग्जाम का क्वेश्चन है चारों के चारों चारों के चारों वी वी आई ठीक है तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि जो प्रशासन है अब ईस्ट इंडिया कंपनी से कहा चला गया क्राउन और क्राउन कौन है यहाँ पे रानी विक्टोरिया है क्राउन है बेटा रानी विक्टोरिया तो ध्यान दीजिएगा कि प्रशासन पहले किसके पास था ईस्ट इंडिया कंपनी सारा देश का शासन व्यवस्था वही संभालता था लेकिन अब प्रशासन कौन संभालेगा रानी विक्टोरिया को ट्रांसफर कर दिया गया और वायसराय को माना गया कि ये रानी विक्टोरिया का क्या है वायसराय रानी विक्टोरिया के सीधे सीधे रिस्पॉन्सिबल है और जो भी काम होगा वो रानी विक्टोरिया को वायसराय ही सूचित करेंगे तो ये यहाँ पे वायसराय था और व्यपगत सिद्धांत जो डलहौजी का था यानी कि छीन लेने सिद्धांत बातें हो गई कि कुछ लोगों को लड़ाकू घोषित किया गया जैसे लड़ाकू किसको घोषित किया गया तो लड़ाकू घोषित किया गया पंजाब गोरखा यहां के लोगों को लड़ाकू घोषित किया गया गैर लड़ाकू किसको कहा गया एम पी यूपी बिहार बंगाल यहाँ के लोगों को गैर लड़ाकू घोषित किया गया क्यों क्योंकि यही लोग विद्रोह किए थे वो लोग तो साथ में था गोरखा पंजाब वगैरह तो इस वजह से ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा कि उनको लड़ाकू घोषित किया गया और इनको गैर लड़ाकू घोषित किया गया ठीक है चलिए तो और भी बहुत सारी बात है जो भारतीय सैनिकों का अनुपात है उसको कम कर दिया गया क्यों क्योंकि आगे चलकर अगर विद्रोह हो तो उसको आसानी से दबाया जा सके तो यह सारा पॉइंट अठारह के अधिनियम में ही किया गया लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है कि गवर्नर जनरल को वायसराय बनाया गया लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय थे व्यवगत सिद्धांत को समाप्त कर दिया गया और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो शासन व्यवस्था ईस्ट इंडिया कंपनी संभालती थी अब वो कौन संभालेगी क्राउन क्राउन का मतलब राजा रानी अब इस समय कौन है राजा या रानी कौन है तो वो है क्वीन विक्टोरिया ठीक है चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे देखते हैं बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई रंगून में ही ठीक है नाना साहब जिनका ओरिजिनल नाम धोंन्दो पंत था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था धोंन्दो पंत ठीक है इनका सहयोग तात्या टोपे कर रहे थे इस विद्रोह में ये नेपाल भाग जाते हैं वहीं पे इनको पकड़ के फांसी दे दिया जाता है हजरत महल और नाना साहब नेपाल चले गए वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई और रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून अठारह में हो गई जो बात हमने आपको पहले बता दिया कि एक मात्र मरी हुई मर्द है ह्यूज रोज ने कहा था यह क्वेश्चन एग्जाम में रखिएगा रानी लक्ष्मीबाई यानी झांसी में कौन ब्रिटिश कमांडर था ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है तो ये विद्रोह का परिणाम था जो एग्जाम का क्वेश्चन आपका बन जाता है तो विद्रोह तो दब गया परिणाम में बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया ठीक है और वहीं पे उन्होंने शायद लिखा था कि दो गज ज़मीन जमी भी नहीं हुआ कुएँ यार में ऐसा करके कुछ एक शायरी है बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर शायर थे अच्छा अट्ठारह के समय में एक महान शायर हुआ करते थे भारत में और वो महान शायर थे मिर्जा गालिब मिर्जा गालिब एक महान शायर हुआ करते थे अठारह में ठीक है मिर्जा गालिब और इसी आसपास में मार्क्सवादी भी मार्क्स भी इसी आसपास में कहीं ना कहीं जर्मनी और अमेरिका में मार्क्स का अपना एक इन्फ्लुएंस हो रहा था धीरे धीरे वो अपनी व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे थे तो मिर्जा गालिब अठारह के समय में थे याद रखिएगा और बहादुर शाह जफ़र भी इसी समय में थे और वो खुद एक महान शायर थे बहादुर शाह जफर ठीक है तो आगे बढ़ें आगे बढ़ते हैं अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें 1857 के विद्रोह की बात हम लोगों ने कर लिया अब 1857 के बाद कौन कौन सा विद्रोह हुआ उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे तो उसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं क्या कि अट्ठारह के बाद जो विद्रोह हुआ वो था इंडिगो विद्रोह नील विद्रोह हालांकि इसके ऊपर हमें चर्चा करना है अठारह सौ देखो मैंने विद्रोह को तीन भागों में बांटा पहला अठारह से पहले एक अठारह को बीच में रख लिया और उसके बाद अठारह के बाद इससे क्या होता है कि पढ़ने में आसानी हो जाती है कि चलो ये अट्ठारह के पहले का विद्रोह है ये अट्ठारह के बाद का विद्रोह है ठीक है मतलब बाईफर्केशन एक होना जरूरी है इसलिए मैंने इसको इस तरीके से बनाया है तो इंडिगो विद्रोह अठारह में कहा विष्णु और दिगंबर विश्वास था बंगाल में हुआ और इस विद्रोह के बाद तो समझो कि बंगाल से हालांकि इसके बाद बाद बंगाल से इंडिगो समाप्त ही हो गया इस विद्रोह के बाद, और आ, में जो चंपारण विद्रोह हुआ था वो आ, क्या बोलते हैं महात्मा गांधी जी का विद्रोह था तो उसको तो हम एकदम महात्मा गांधी के साथ पढ़ेंगे यहां पर जो विद्रोह इंडिगो का था वो हम बताते हैं तो ध्यान रखिएगा अठारह में विष्णु और दिगंबर विश्वास के लीडरशिप में बंगाल में विद्रोह हुआ था इंडिगो नील की खेती को लेकर के और ये विद्रोह इतना ज्यादा पॉइंट था और अच्छा इस विद्रोह में क्या हुआ था कि जो आ, क्या बोलते हैं न्यायपालिका था उसने दिगंबर विश्वास या विष्णु विश्वास के साथ थे वो और इसके लेकर के वहाँ पर नील की खेती धीरे धीरे समाप्त तो हो गया ठीक है चलिए पवना ये पवना विद्रोह कहाँ हुआ था पवना बंगाल में मुन्दी मुल्ला इसके नेता थे पमना विद्रोह के उसका बाद मुंडा विद्रोह यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया ठीक है मुंडा विद्रोह जिसको उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं मुंडा विद्रोह भी है ये उलगुलान या मुंडा बिरसा मुंडा इस विद्रोह के नेता है बिरसा मुंडा जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं आपको पता होगा अगर आपने पढ़ा होगा अपने आप को भगवान घोषित करते हैं और ये कहते हैं कि अंग्रेज ठाकुर ठाकुर ऐसे एन में लिखा हुआ है कि ठाकुर जी हमारे सपने में आए थे और उन्होंने कहा है कि अंग्रेज की गोली साहेब है ना साहेब या दिकू दीकू कहते दुख देने वालों को तो दीकू की गोली पानी हो जाएगा और हम ये आंदोलन जीत लेंगे ऐसा ठाकुर हमारे सपने में आए हैं और उन्होंने कहा है और ठाकुर हमारे तरफ से लड़ेंगे तुम लोग हारोगे ये बात अंग्रेज अपने लोगों को जगाने के लिए कहते हैं और विद्रोह इतना ज़्यादा भयानक था जिसका कोई अंत नहीं ये बिरसा मुंडा जी के पकड़ाने के बाद और उनकी मृत्यु होने के बाद जेल में उनकी मृत्यु हो जाती है जेल में उनकी मृत्यु होने के बाद ही इस विद्रोह को दबाया जा सका नहीं तो यह विद्रोह बहुत ज्यादा भयानक था और आपको हम बता दें कि बिरसा मुंडा भगवान के रूप में पूजे जाते हैं छोटा नागपुर यानी कि क्या बोलते हैं झारखंड के इलाकों में यह बात आप ध्यान में रखिएगा बिरसा मुंडा बहुत महान लीडर है बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा है उलगुलान भी बोला जाता है मुंडा विद्रोह को एक मूवमेंट ये का मूवमेंट है ये आपके यूपी से यानी अवध से बोला जाता है मदारी पासी दरअसल मदारी पासी ये कोई लीडर नहीं यह ये जाति का नाम है इसमें क्या है कि स्थानीय जो साहूकार होते थे या राजा होते थे या अंग्रेज होते थे वो इतना ज्यादा कर लगाना शोषण करना इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने उनको सहायता करना बंद कर दिया कैसा सहायता तो इन लोगों ने ये एक आ, मतलब फरमान निकाला अपने लोगों के बीच में कि कोई उनका इक्का नहीं चलाएगा कोई उनको पानी नहीं भरेगा कोई उनका घर पोछा नहीं करेगा कोई उनके फूल नहीं लाएगा कोई मतलब उनका कोई काम नहीं करेगा ठीक है ये इनका कहना था मतलब सब एक हो जाओ और ये मूवमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है 1921 का एका मूवमेंट मदारी पासी मूवमेंट कहते हैं अवध में हुआ था और इस मूवमेंट का परिणाम था कि अगर कोई लोग मतलब कोई राजा महाराजा या कोई साहूकार जगह छोड़ के जाना चाहता था तो कोई इक्का चलाने के लिए इक्का लेकर के जाने के लिए भी उसके लिए तैयार नहीं होता था कोई तांगा लेकर के जाने के लिए उसके तैयार नहीं होता था ऐसा था इस विद्रोह में ठीक है और विद्रोह हिंसक तो था ही मोपला विद्रोह केरल का एकमात्र ऐसा विद्रोह जिसको लेकर के बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है और इस विद्रोह ने इधर ये जब देश में असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी चल रही थी 1921 के आसपास में उसी समय मोपला विद्रोह होता है मोपला क्या है एक कृषक है मोपला कृषक है मैं आपको बता दूं फार्मर है फार्मर और ज़्यादातर आबादी मुसलमानों का है यानी कि इस्लाम मानने वालों का है ठीक है यहाँ पे मोपलाओ में केरल में और जो ज़मींदार थे वो ज़्यादातर हिंदू थे तो ये आंदोलन तो होना चाहिए ज़मींदारों और किसानों के बीच में लेकिन आंदोलन का रंग पकड़ लिया आगे चल के हिंदू वर्सेज मुस्लिम और ये आंदोलन जब हिंदू वर्सेज मुस्लिम हो गया और अंग्रेज़ों ने इस आंदोलन को इतना बेतरतीब तरीके से दबाया इतना ख़तरनाक तरीके से दबाया कि फिर पूरे भारत में भारत की आजादी तक केरल का जो प्रदेश रहा वो बिल्कुल शांत रहा एकदम शांत रहा ठीक है याद रखिएगा ये मोपला विद्रोह केरल का विद्रोह है मोपला विद्रोह बारदोली विद्रोह बारदोली नाम से समझ में आ रहा है कहाँ होगा गुजरात में होगा लीडर वल्लभ भाई पटेल है इसी विद्रोह में इनको सरदार की उपाधि दिया था महिलाओं ने महिलाओं ने क्या दिया था सरदार की उपाधि बारदोली के महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया था बारदोली में ही ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार बनता है तो यह भी वी है उन्नीस में और तेभागा आंदोलन 1946 नियामत अली बंगाल में ये बात आप ध्यान में रखिएगा चलिए एक पॉइंट नीचे मैंने लिखा वो ध्यान रखिएगा कि दीन बंधु मित्र की नाटक नील दर्पण में नील विद्रोह का उल्लेख है और यह कौन सा नील विद्रोह है ये वाला नील विद्रोह है ठीक है दीन बंधु के नील दर्पण में इसी इंडिगो का विद्रोह है और आनंद मठ में किसका है सन्यासी विद्रोह का उल्लेख है तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और यहाँ पर जो भी मैंने लिखा है सारे के सारे एग्जाम के क्वेश्चन ही मिले हैं एक बात ध्यान रखिएगा जो मैं अलग से समझाया हूँ और कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखते हुए चला हूँ उसको आप अपने कॉपी में नोट्स में लिखेंगे ज़रूर लिखेंगे क्योंकि आपके जो पी है वो सिर्फ़ आपको यही मिलेगा जो दिख रहा है ठीक है ना चलिए तो इस आज के लेक्चर को हम यहीं पर रोकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो ऑर्गेनाइजेशन भारत के आज़ादी में योगदान दे रहे थे या आंदोलन में योगदान दे रहे थे या स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दे रहे थे उसके बारे में फिर आईएनसी की बात करेंगे और फिर हम इंटरनेशनल जो भारत का मुख्य धारा का आंदोलन है उसके साथ जुड़ जाएंगे तो इस पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको एक बार देखिए और एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए थैंक यू थैंक यू वेरी मच